जो डी है आगे की डी, जो अभी खाली है वहां बैठ सकते हैं, बाकी लोग पीछे अभी खाली है तो वहां भी विराजमान हो सकते हैं। पूज्य श्री वागेश्वर धाम सरकार के हम आप सभी दर्शन कर रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही कृपा होती है, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। पूज्य श्री वागेश्वर धाम सरकार हम सभी के मध्य में विराजमान आ चुके हैं। हम सभी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। सर्वप्रथम हम आप सभी आज की चतुर्दिवस की मंगलमय पावन आरती में प्रवेश करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार मैया किरण रविशंकर डोमनी जी एवं श्री रंजन रविशंकर डोमनी जी, इनका परिवार सहित आपसे आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। हमारे बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के माननीय अध्यक्ष जी एवं पूर्व में केंद्रीय मंत्री जी आप रहे, माननीय श्री हंसराज अहिर जी
से आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। नागपुर से ही आमदार जी माननीय श्री मोहन मते जी की धर्मपत्नी मैया सविता मोहन मते जी से आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। नागपुर से ही आमदार माननीय श्री टेकचंद सावरकर जी से भी आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। एवं मुख्य यजमान परिवार एवं समिति के सदस्य जो पावन मंच के पास हैं उनको भी आरती में आने दें और आइए चलते हैं मंगलमय पावन आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वाला मालन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्प्यामि हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातकसोः सूर्यो अजायता श्रोता द्वाय सुप्राणस्य मुखाग्निर्जायत हरति श्रीरामाय जे के कीरत कलित ललित सियाति के हरति श्रीरामाय शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम हरि ओ मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओ मयगेन यगमय जमते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या संते हिनाकं महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे साध्या शंति देवा हरि ओ एक दंताय विद्महे वक्तुंडाय धीमहि
तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम दशरथ आत्मजाय विद्महे श्री सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्री राम भक्ताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदया। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर श्री सीताराम अभ्याम नमः। ओम हम हनुमते नमः। मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो आ रहे हैं अतिथिगण और मुख्य यजमान परिवार, आयोजक, सेवादार, एक एक करके आप सभी अपने स्थान पर आकर के विराजमान हो जाएं। महाराष्ट्र की पावन धरा, जिला भंडारा के तहसील मोहाड़ी में पधारे आप सभी बागेश्वर धाम परिवार के धर्म प्रेमी, आस्थावान एवं कथा रसिक एवं घर बैठकर सत्संग चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मुख्य आयोजक परिवार मैया किरण रविशंकर डोमने जी एवं श्री रंजन रविशंकर डोमने जी, मुख्य जीवन परिवार एवं उनके सभी समिति के सदस्य, जिनके संकल्प से हम आप सभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर रहे हैं और 5 दिन तक हम आप सभी प्रभु श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज कथा का चतुर्दिवस है, कल कथा का विराम दिवस है। कल हम आप सभी कथा श्रवण करने के लिए विराजमान होंगे और कल सुबह 9 बजे दीक्षा का भी कार्यक्रम जहां पर पूज्य श्री का निवास है वहां पर होगा। तो आप सभी गुरु मंत्र भी आप गुरुदेव भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के आगामी कार्यक्रम, महाराष्ट्र के बाद यूपी में लखनऊ में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा के माध्यम से सुंदरकांड की चौपाई पर हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद गुरुदेव भगवान की यात्रा नेपाल में 5 दिवसीय श्री राम कथा 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नेपाल में होगी। तो आप सभी घर बैठकर नेपाल की कथा आप सभी श्रवण कर सकते हैं। 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर होगी और 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 5 दिवसीय श्री हनुमंत महायज्ञ बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर होने जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर 5 दिवसीय श्री हनुमंत महायज्ञ में हम आप सभी पहुंच सकते हैं, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन कर सकते हैं और अपने कष्टों के निवारण के लिए यजमान बनकर यज्ञ में पूर्णाहुति भी दे सकते हैं। गुरुदेव भगवान के साथ हम आप सभी पुनः पावन तीर्थ की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में गुरुदेव भगवान जून माह में जा रहे हैं यजमान परिवार के साथ, अपने भक्तों के साथ। जून माह में 5 दिन तक गुरुदेव भगवान बद्रीनाथ धाम पर पावन तीर्थ पर रहेंगे और हम आप सभी भी गुरुदेव भगवान के साथ पावन तीर्थ में पहुंच सकते हैं, यजमान बनकर हम आप सभी पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों में 3 दिन तक गुरुदेव भगवान की कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे और 2 दिन तक हम आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे, बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे। तो यजमान बनने के लिए आप बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से ऑफिस के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं
और आपके पंडाल के पास ही बागेश्वर धाम का कार्यालय है, आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की चतुर्दिवस की श्री राम कथा में, जन्म से लेकर जनकपुर तक हम आप सभी गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के चतुर्दिवस की कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। और कल और आप सभी को आना है, पूरा क्षेत्र पूरा नगर राममय हो चुका है, कल आप सभी को भी कथा श्रवण करने के लिए आना है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। चटकाय टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्ति जंबू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देहे लालीलसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानं दलं जय जय जय।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर परनौ रघुवर विमल जसु जो दायको बुद्धिहीन तनु जान के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय बसों हृदय बसों अब तो
कौन हनुमान जी की कृपा को पाना चाहता है तो दोनों हाथ उठा करके मशहूर हो गया जो नहीं आया इनके द्वार पर वो इनकी नजरों से सदा सदा के लिए दूर हो गया। पीछे वालों लोग पूरी खाने आए हो क्या हैं? अच्छा पांडुरंग विठ्ठलनाथ के कितने भक्त बैठे यहां जरा हाथ उठाओ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ये जो मैदान में खुले में खड़े हैं भाई साहब, तुम किसके हो? हो बालाजी के कि नहीं हो? देखो, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर मेरे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। आप लोग दाहिने हाथ वाले उठाओ दोनों हाथ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला करके सभी लोग। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल जय हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ भाई बाबा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला भाई बाबा विठ्ठला जना भाई विठ्ठला तुकाराम विठ्ठला ओ विठ्ठल 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 के पागलों की, भंडारा जिले के पागलों की, महाराष्ट्र के पागलों की,
हनुमान जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, सब संतन की गौ माता की जय, कथा यजमान जी की जय, कथा में सहयोग करने वालों की जय, कथा का विरोध करवे वालन की भी जय, नमः पार्वती पते हर 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 बैठ जाओ। जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। साधु जी, अरे थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या घर से खा पी के नहीं आए हो? तो जोर से बोलो, जय सियाराम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, हनुमान जी की मंगलमयी कृपा, पांच दिवसीय जन्म से विवाह तक जनकपुर तक चलने वाली राम कथा के चौथे दिवस में हम सब विराजमान हैं। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी को प्रणाम करते हैं, सभी संत जनों को प्रणाम करते हैं और भारत में रहने वाले सभी सनातनियों को प्रणाम। महाराष्ट्र की पावन धरती जो संतों की भूमि है, जहां एकनाथ महाराज, समर्थ स्वामी समर्थदास जी महाराज, जहां ज्ञानेश्वर महाराज, जहां पर संत जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज, जनाबाई जैसी भक्तिमती माता हुई, ऐसी पावन धरती महाराष्ट्र को भी हम प्रणाम करते हैं। कलयुग के राजा बालाजी को प्रणाम। हमारे सामने भूदेव एवं सभी संत विराजमान है, संतों के भी चरणों में नाक रगड़ कर प्रणाम। एवं आज पूरे पंडाल में अगल बगल सब पागल ही पागल बैठे हैं। दूर दूर से आए, कोई बालाघाट से आया, कोई राजनांदगांव से, कोई महाराष्ट्र के भी कई जिलों से आए हैं। जितने भी पागल अगल बगल विराजमान हैं, आप सबके हृदय में भी जो राम जी बैठे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पा, करहूं प्रणाम जोड़ी जोड़ पान। साधु जी, इस कथा के मुख्य यजमान श्री रंजन जी, उनकी माता जी और आप पूरे परिवार ने मिलकर के यह कथा का आयोजन श्री हनुमान जी के परम लाडले भक्त, भगवत भक्त स्वर्गीय श्री रविशंकर डोमड़े जी के निमित्त में यह आयोजन रखा है। हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग कथा सुनने आए हैं, इन सबको कथा सुनने का फल प्राप्त हो जावे। और आयोजन परिवार को धन्यवाद कि इस मोहारी क्षेत्र में सनातन की जागृति के लिए और हली उल्लाह वालों की ठटरी बारने के लिए ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी। हम वचन देते हैं कि अब हम यहां बार बार आते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ही घर है और भारत के हिंदुओं
तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सनातन विरोधी और हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी दोनों बांधते रहेंगे। पर हम एक बात और बोलें, हम किसी भी संत के खिलाफ नहीं है, न किसी अच्छे काम के खिलाफ है। हम तो उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो माता पिता की अवहेलना, गुरुजनों की अवहेलना, संतों की अवहेलना, मंदिरों की अवहेलना, पुराणों की अवहेलना, रामचरितमानस को जलाते हैं, गीता को झूठा बताते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं और कृष्ण के मंदिर को झूठा बताते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ है मात्र। इसे खिलाफ भी नहीं कहेंगे, कट्टर सनातनी कहेंगे। अभी दो दिन पूर्व में इसी मंच के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में नशा मुक्ति के अभियान को चलाने वाले बाबा जूमदेव जी के बारे में हमने चर्चा की थी। उनके लाखों अनुयायी हैं, निश्चित रूप से आप सब गुरु भक्त हैं और हम भी किसी संत के शिष्य हैं, हम भी संत परंपरा के हैं। कभी भी हम किसी भी संत के खिलाफ नहीं बोलते और आप सब हिंदू हो, आप हमारे हो, हम कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। बस कुछ लोग जो बाबा जूमदेव जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नशा मुक्ति अभियान चलाया, जिन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ बुलंद आवाज की और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए हनुमान जी की पूजा की, उनके खिलाफ बहुत लोग बोलने लगे थे कि इनके मानने वाले लोग तो माता पिता को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते। हमने केवल वही बात बोली है कि ऐसा नहीं है, ऐसा करने वाले किसी भी संत के भक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाबा जूमदेव को मानने वाले भक्तों को जो वास्तविक उनके शिष्य हैं, हमारी कल बात बाबा जूमदेव के मानस पुत्र और उनके भतीजे श्री रमेश जी से हुई रात को। उन्होंने कहा, महात्मा जी सीताराम। हम चौंक गए, फिर बाद में बोले, महाराज जी कुछ राजनीति करने वालों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है, जितना बाबा जूमदेव के बारे में बोले हम जानते हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि माता पिता को मत मानना। हमारा हृदय एकदम फूल करके, सीना गर्व से छाती फूल गई हमारी। हमने उनको भी धन्यवाद दिया कि हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने दूर की, हम जल्दी मिलेंगे। और उनके मानने वाले लोगों से भी प्रार्थना है कि आप हमारे वक्तव्य को ठेस ना लेवें। हमने कभी भी किसी भी संत की बुराई नहीं की, ना तुम्हारे गुरुजी की हम कर सकते हैं। आप हमारे सनातनी हो, आप जिन गुरु को मानते हो उन गुरु के हो, सो हमारे हो, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी हनुमान जी के हैं और हनुमान जी हमारे हैं। इसलिए आज सुबह से ही लगातार लोग आ रहे थे कि कथा होगी कि नहीं होगी। प्रशासन आया, बहुत अच्छे हैं यहाँ के माननीय एसपी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, बहुत सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, क्योंकि कल से लगातार विवाद चल रहा, थाने पे घेराव किया जा रहा। ये सब राजनीतिक रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियों को संतों की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। बागेश्वर पीठ यह बात प्रमाण करके कहती है और शपथ लेकर के कहती है, हम कभी भी किसी संत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर धर्म विरोधी को कभी छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए वो जितने भी परिकर के लोग हैं, आप मन में खिन्नता मत रखो, हम आपके साथ हैं। बस हमारी विनय एक मानो,
हमारा और कोई कष्ट नहीं। हम जगह जगह जाकर जो आफत मोल ले रहे, विरोध ले रहे, जगह जगह बोल रहे, जगह जगह धर्म विरोधियों की ठटरी बार रहे, भारत के हिंदुओं, हम ये अपने प्राण जान हथेली पे अपने लिए नहीं लगा रहे, हम तुम लोगों के लिए लगा रहे कि आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां सुरक्षित रहे। वरना हमें क्या पड़ी, अच्छी खासी हम कथा कर लेते हैं, बढ़िया चमत्कार दिखा देते, हनुमान जी की कृपा है, बाप का नाम लुगाई का नाम बता देते हैं, अपन को आवश्यकता क्या, हनुमान जी के द्वारा लोगों का हम कल्याण करवा देते हैं, हनुमान जी के द्वारा लोगों को नशा मुक्ति में, हमें क्या पड़ी है। मेरे पागलों, हमारे मन में एक ही दुख रहता है, इस भारत में अपने राम के राष्ट्र में रह करके भी हमको 500 साल तक लड़ना पड़ा तब राम जी बैठ पाए, और अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे। इसीलिए आप जितने भी जूम देव बाबा को मानने वाले लोग हैं, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, अंधश्रद्धा के खिलाफ हम भी हैं, तो हमको भी अपनी विचारधारा का ही मानिए, लेकिन माता पिता और राम को ना मानने वालों की तो हम ठठरी सदा बारते रहेंगे हम, क्योंकि भारत में है, भारत राम का है, ये देश रघुवर का है, अकबर या बाबर का नहीं है। इसलिए अभी हम आ रहे थे तो यहां के कुछ गणमान्य लोग आए कि अच्छा नहीं है, और आप एक काम करो, कथा को स्थगित कर दो। बताओ क्या कथा को स्थगित करना चाहिए, राम के राष्ट्र में क्या राम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। देखो भले ही हमारा वध हो जाए, लेकिन हम राम नाम की चर्चा मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। हमें हनुमान जी ने भेजा ही इसीलिए है कि आप सबको हम हनुमान जी का बना पावे। इसीलिए हमारे आत्मियों, आज पूरा संगठन आए, सभी प्रियजन आए कथा में, कथा के यजमान जी का परिवार भी नहीं मिल पाया, कथा के सेवक भी नहीं मिल पाए, बहुत सेवादार नाराज है कि गुरु जी हमसे नहीं मिले। कल हम यहीं दरबार लगा के आगी को लगो नागपुर चले गए थे, अब वहां पर दो तीन जगह जाना था, फिर लेट हो गए, लेकिन सेवादारों को भी हम मिलेंगे। हमारे परिवार के सदस्य बजरंग दल वाले भी आए हैं, उनको भी हम मिलेंगे। भारत में सनातन की समस्या का हल बजरंग दल, वो भी आए हैं, यहां के सेवादार भी हैं, तुमसर के लोग भी हैं, मुहाड़ी के लोग भी हैं, बालाघाट के लोग भी हैं, लातूर महाराष्ट्र के लोग भी हैं, नागपुर के लोग भी हैं, राजनाथ गांव के लोग भी हैं, जिनको नाम नहीं लो सो अपने मन में तुम ले लो, सब जगह के हैं। तो सभी प्रियजन और परमात्मा एक है परंपरा को मानने वाले आत्मीय जन, बहुत लोग उनके भी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बाबा जूमदेव की परंपरा को मानने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं, उनकी परंपरा के लोग भी आए हैं। यही कहेंगे कि आप मन खिन्न मत रखो, गिला सिकवा दूर करो, और बढ़िया 3200 दांत निकाल कर मुस्कुराओ। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। लेकिन एक बात और बोल दें, कह दो बोलो, अरे तना जोर से तो कहो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था हिंद विश्व राज्य की स्थापना करनी है, हम तो वो करवा के ही मानेंगे। बोलो जय सियाराम। तो हम लोग राम कथा सुन रहे, तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हैं? अगर हो तो चले जाओ भैया, हम तो आ गए, 3 बज गए, नहीं नहीं 4 बज गए, हैं? 5? अरे तुम लोगों की घड़ी है खराब,
दो घंटे लेट चलती, जब देखो तब। तुम लोगों की घड़ी डिस्टर्ब है, हमारी सही है। 4 बजे अभी, 4:25। मजाक कर रहे हैं, 6:30 बज गए। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, इसीलिए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, सो गए थे और लेट हो गए थे। अब क्या बताएं, हमें बहुत आफत रहती है, सब सुलझाना पड़ता है। 11 कुंडी यज्ञ हो रही, बहुत अच्छी कथा चल रही है, हम लोग राम कथा गा रहे हैं। कौन कौन राम कथा सुन रहा है? अच्छा, राम कथा क्यों सुन रहे? जय जय राम कथा सुनो भाई, राम कथा जय जय राम कथा सुनो, दोनों हाथ उठाकर। संशय मिटाने वाली है राम कथा, सोए हुए भाग को जगाने वाली है राम कथा, मन में ज्ञान का प्रकाश दिलाने वाली है राम कथा, हनुमान के साथ साथ प्रभु श्री राम से मिलाने वाली है। आज की कथा का सूत्र सुनो, आज 4th दिन की कथा का सूत्र है, संत का क्षण अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्या? संत का क्षण, क्षण तो जानते हो ना, समय। अन्न का कण, अन्न का दाना, संत का समय, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए संत का क्षण अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साधु समाज सुधारक होता है, साधु उद्धारक होता है संतों के प्रति। भारत के लोगों, दूसरा सूत्र याद करो, भारत के लोगों संतों के प्रति आकर्षण नहीं, संतों के प्रति तो समर्पण होना चाहिए। आकर्षण तो नचैया गवैया वालों के पीछे होता है, हाँ, आकर्षण नहीं, क्या होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, तुम ऐसे कथा सुनते हो, बहुत कंजूस हो। आकर्षण के समर्पण, जोर से बोलो, संतों के प्रति क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। बोलो सीताराम। क्योंकि महात्मा ही परमात्मा है। महात्मा कौन है? परमात्मा। अच्छा, महात्मा परमात्मा कैसे है, जरा सिद्ध करके सुनो। हनुमान चालीसा में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए कहा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हाँ, असुर जी। आप साधु संतों के रक्षक हो, तो संतों के साथ रहते हैं हनुमान जी,
तो संतों के साथ रहते हैं परमात्मा, इसलिए इनको कहते हैं महात्मा। क्या कहते हैं? अब दूसरी बात, मान लीजिए हमको भगवान ना मिले तो टेंशन मत लेना, अटेंशन में रहना। क्या? परमात्मा ना मिले तो टेंशन मत लेना, महात्मा के चरण पकड़ लेना, महात्मा के चरण पकड़ते ही परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आजकल के आदमी महात्मा के चरण नहीं पकड़ता, सेल्फी खींचा, मोबाइल लिया। गुरुजी, पहले के जमाने में लोग हमारे पास आते थे, गुरुजी आशीर्वाद दो, हमारा भविष्य ठीक रहे, हम आशीर्वाद देते थे। और 5 साल में दुनिया इतनी बदल गई, आगी लगी ठटरी भरी। अब तो भैया तुम लोग आते हो, ये नहीं कहते आशीर्वाद दो, ये नहीं कहते कि हमारा भाग्य बढ़िया रहे। गुरुजी सेल्फी हो जाए, हम भी इतने बदमाश हो गए कि हम दूर से ही देख लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कैसे प्रणाम नाम नहीं करना। हम पहले ही कह देते मोबाइल निकाल निकाल निकाल, आओ, जब प्रणाम करना ही नहीं है, आशीर्वाद तुम्हें लेना ही नहीं है, फोटो ही भर खींचना है, खींचो। पर बुरा ना मानो मेरे भारत के युवान बच्चों, चित्र नहीं खींचना चाहिए, गुरुदेव का तो चरित्र खींचना चाहिए। चित्र तो किसी का भी सुंदर आ सकता है। और महाराष्ट्र के युवानों, हमारी एक बात तुम नोट कर लो, बेटा या बेटी वो नहीं है जो दूसरों के पीछे सेल्फी खींचने के पीछे पड़ा रहे, बेटा और बेटी तो वो है जिसके पीछे हजारों लोग सेल्फी लेने के लिए पड़े रहे। बोलो सीताराम। इसलिए संतों के चरणों को पकड़ना चाहिए। कुछ लोग संतों के गला पकड़ते हैं, कुछ लोग संतों की संपत्ति पकड़ते हैं, वो संत भी कम नहीं है। माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर सुनाए जाते हैं। बड़ी विचित्र दुनिया है। बोलो जय हनुमान जी की। प्रवचन सुनाए जाते हैं, माया बेकार है, माया में नहीं पढ़ना चाहिए, पर 11 लाख दे दो, बताओ कितना अद्भुत है। एक आदमी हमसे बोला, तुम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते हो? हमने कहा हम माया छोड़ने के नहीं सुनाते, हम तो माधव को पकड़ने के प्रवचन सुनाते हैं। बोलो जय सियाराम। इसीलिए महात्मा ही परमात्मा है। कौन है? बोलो परमात्मा। इसलिए संतों के प्रति उदार होना चाहिए, संतों में भगवान के दर्शन करना चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। हम लोग एक गीत गाते ना, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण। बोलो ओम बागेश्वराय। ओम हम हनुमते नमः। तो भगवान किस रूप में मिल जाएंगे कोई ठिकाना? महाराष्ट्र के संत नामदेव को तो को कुत्ता में परमात्मा मिल गए, प्रहलाद जी को खंबे में भगवान मिल गए, हम लोगों को मनुष्य में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे, कई लोगों को भगवान की मूर्तियों में पत्थर दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान के भक्तों को पत्थर में परमात्मा दिखाई पड़ता है। बोलो सीताराम। तो महाराज बुद्धि कैसे ठीक होगी? जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा,
जय जय राम कथा जब हम राम कथा गाएंगे सुनेंगे तभी हमको भगवान के बारे में पता लगेगा। चलो महात्मा परमात्मा कैसे होते हैं हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। बहुत ही प्रिय भक्त श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज अयोध्या के एक महात्मा हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है 14 स्थान का प्रथम भाग। ये किताब है, इसको हम आज पढ़ रहे थे, बहुत प्यारा प्रसंग मिला। बंगाल के एक महात्मा थे, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। बड़े प्यारे महात्मा। नाम जप करते, रोज मांगने के लिए दरवाजों पर जाते, जो मिल जाता उसी को पा लेते, जो खाने को मिलता उसी को पा लेते, और कई बार भूखे रहते उसमें भी भगवान को धन्यवाद दे देते। जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही, सीताराम 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 कहिए। हाथों हाथ में नाम की माला, माथे पर ठाकुर जी का चंदन, गली गली में डोलते रहते माधव दास बाबा। हैं बंगाल के पर डोलते पूरे भारत में, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। घर घर जाते, लेकिन कुछ लोग तो भोजन दे देते, कुछ लोग आटा दे देते, पर कुछ नास्तिक होते वो गाली दे देते। पर महात्मा तो महात्मा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, जो जिस भावना से भगवान को देखेगा मेरे पागलो, भगवान उसी भावना में दिखाई पड़ेगा। एक दिन माधव दास एक बूढ़ी माता के घर पर गए, उसका एक बेटा था, बहू थी। बूढ़ी माता बड़ी नास्तिक, कभी कुछ नहीं कहती, न सीताराम कहती, न कभी दान देती, न कभी महात्माओं को मानती, न संतों को मानती, और संत मांगने आ जाए तो खरी खोटी सुनाती। अरे वाह, बड़ा मां पड़ा जैसा शरीर लिए घूमे फिरता है, बैल जैसा शरीर है, मजदूरी करो बाबा, मांगने से नहीं कुछ होगा, कमाओ खाओ। महात्मा तो जाते ही नहीं, पर माधव दास बाबा ने कहा हम तो इसके घर पर ही मांगने जाएंगे। एक दिन गए, गाली देकर भगा दिया उस बूढ़ी औरत ने। ए बाबा भाग जा, बड़ो बाबा बनो घूम रहो है, पड़ा जैसो भारी शरीर है, बैल जैसो मोटो तगड़ो है, मजदूरी कर, मकान बना, पैसा कमा, मांगने चले आए। माधव दास बाबा बोले मैया धन्यवाद है, आ गए। दूसरे दिन फिर मांगने गए, अब तो और वो नाराज हो गई औरत, बूढ़ी माता जी, एक दिन तो गाली दे चुके, एक दिन की गाली में कोई 100 जन्म तक न आए, पर ये बाबा तो बड़ो ढीठ है, तो जितनी मुंह में गाली आ उतनी मराठी भाषा में दे मारी। पर महात्मा ने फिर कहा मैया धन्यवाद है। तीसरे दिन फिर गए माधव दास, वह बूढ़ी माता हाथ में पोता लेकर के पोत रही थी। पोता जानते हो कपड़े का होता है, दीवाल से पहले के जमाने में माताएं पुताई करती थी, उस कपड़े से जब पोतती थी उसको पोता कहते थे। वह दीवाल में पुताई कर रही थी माता, हाथ में कपड़ा लिए थी गीला। संत माधव दास भी संत माधव दास उस बूढ़ी औरत के पास तीसरे दिन गए, कहा ओ मैया भिक्षाम देही। उसने वो कपड़ा फेंक के मार दिया, रोज आ जाता है प्राण खाने, भाग यहां से। महात्मा ने वो कपड़ा उठाया, कपड़े को अपनी झोली में डाला, और माधव दास दोनों हाथ जोड़कर उस औरत से बोले मैया संत माधव दास भी बदला इसी का देगा,
पोता दिया है तूने, तुझे भी पोता मिलेगा। तूने मुझे पोता दिया, जा राम जी तेरे घर पर पोता देंगे। उसकी बहू बहुत धर्मात्मा थी और एक भी संतान नहीं थी बहू की। बहू की आंखों में आंसू आ गए। कितने गजब महात्मा है कि हमारी माँ ने तो कपड़ा फेंक कर मारा, पोता फेंक कर मारा, और महात्मा ने क्या गजब का आशीर्वाद दे दिया। संत माधव दास भी बदला इसी का देगा, पोता दिया है तूने, पोता तुझे मिलेगा। और उस पोते के कपड़े को ले आए महात्मा, फेंका नहीं। देखो ये होता है संगत का असर। कपड़े को फेंका नहीं, महात्मा ने उस कपड़े को धोया, उसका कचरा निकाला, कचरा निकाल करके उस कपड़े को फाड़ा, फाड़ कर उसकी बाती बनाई। बाती बनाई, एक कुम्हार के घर से दीपक ले आए, एक शिष्य तेली के घर से घी ले आए, और उस पोता के कपड़ा की बाती बनाकर दीपक लगाकर जलाकर भगवान के मंदिर में जला दिया। दीपक जगमगाने लगा, वो पोता जलने लगा, वो पोता का कपड़ा जलने लगा। और जब वो कपड़े की बाती जलने लगी तो वह पोता का जो कपड़ा था वो भी अपने भाग पर इतराने लगा, उसका भी भाग जाग गया। और वो भाग क्या है उसका, वो कपड़ा बोला, मल मूत्रों के ठौर पड़ा हो जहां रक्त अरूपी, फेरा जाऊं फिरते मैं मरते थे लाखों जीव। वो कपड़ा कहने लगा, मेरे भाग्य तो देखो, एक संत ने पकड़ लिया तो आज हम मंदिर में आ गए हैं, वरना मैं पड़ा रहता बाल्टी में, कीड़े मकोड़े मेरे ऊपर घूमते रहते, दुर्गंध छपी रहती और एक दिन मैं खत्म हो जाता। पर धन्य है संत का स्वभाव, उन्होंने मुझे धोकर के बाती बनाकर मंदिर में जला दिया। बना था पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, 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 धन्य है सत्पुरुषों का। क्या बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल दे के उस कपड़े के भाग खुल गए। आहा, कुछ दिन बीते, जब वो दीपक जलता रहा कई दिनों तक, भगवान की कृपा से उस बूढ़ी माता की बहू गर्भवती हो गई। 11 साल बाद गर्भवती हुई और सुंदर बालक को जन्म दिया, बड़ा प्यारा सुंदर बालक। गांव के लोग मिलने आवे, उस बूढ़ी औरत से कहें, क्या बात है, ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया जो इतना सुंदर पोता तुमने पाया है। वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू भरकर उस दिन को याद करके कहती, पोता दियो न प्रेम से, पोता मतलब कपड़ा, पोता दियो न प्रेम से, रिश बस दीन हमार। हमने तो कपड़ा पोता को मारा था महात्मा को, पोता दियो न प्रेम से, रिश बस दीन हमार।
ऐसे पुण्य सो सखी पोता खेलत द्वार। हमने तो क्रोध में कपड़ा मारा था, पर धन्य है महात्मा, उन्होंने तो हमारे घर पर पोता खिलवा दिया। ऐसा सुंदर पोता जाया और हाथ जोड़ करके वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू भर के कहती, जो कहूं ऐसे संत को, जो जो कहूं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में होते सुत ज्यों ध्रुव और पहला। संत को अगर प्रेम से प्रसाद पवाया होता, हम महात्माओं की शक्ति को नहीं जान पाए, महात्माओं की महत्ता को नहीं जान पाए। अगर हम जानते होते और प्रेम प्रसाद पवाया होता, तो आज हमारे घर पर ध्रुव प्रह्लाद जैसा बेटा होता। इसलिए मेरे पागलों और मेरे महाराष्ट्र के प्रियजनों, यह बंगाल के माधव दास बाबा की कथा, महात्मा की कथा ये सिखाती है कि महात्मा कोई इंसान नहीं, महात्मा तो स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए महात्माओं के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, श्री राम जय करके गाओ। श्री राम जय हमने आज की कथा में सूत्र दिया, महात्मा ही परमात्मा है। लेकिन हम लोग बाबाओं के नाम से इतना डरवाते हैं बच्चों को। कई बार माताओं की हमने आदत देखी है, छोटे बच्चे को वो कुछ खिलाएंगे, खा जा नहीं तो बाबा खा जाएगा, बिस्कुट खा जा वरना बाबा खा जाएगा, जैसे बाबा बिस्कुट का भूखा बैठा हो। हम पहले बहुत पुरानी बात बता रहे हैं अपनी, ज्यादा पुरानी नहीं, हम इतने भी पुराने नहीं भाई, लेकिन यही कोई 5-6 साल पुरानी बात बता रहे। पहले हम मालाएं पहनते थे बहुत, रुद्राक्ष की 20-25 माला, वैसे ही रहते थे फकरों जैसे, पागलों जैसे। हरिद्वार गए, लोग हमें मिलने आए, हमने आशीर्वाद दिया, एक तपती दोपहरी में यही तुमसर का चंगीलाल हमारे पास आया, बोला गुरुजी फोटो खींचना है। हम कहा खींच लो। हमने कहा लो फोटो खींचो। हमने कहा बहुत अच्छे भक्त हो, चित्र खींच रहे हो, फोटो घर पर ले जाना, सबको दिखाना, अच्छी बात है। अरे बोले महाराज जी, फोटो हम सबको दिखाने के लिए नहीं खिंचवा रहे। हमने कहा फिर? बोले हमारा छोटा बच्चा है, वो बाबाओं को देख करके डर जाता है, तो उसे सुलाने के लिए खिंचवा रहे। बताओ, आओ, आओ। हमने कहा जय हो। खैर ऐसे लोग महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं, बताइए। महात्मा भी डरावने के काम आते हैं। एक बार हम ऐसे ही ट्रेन में बैठे थे, नागपुर से जा रहे थे दिल्ली, ट्रेन में बैठे थे, एक माताजी हलवा लिए थी, छोटा बच्चा 5-6 साल का रहा होगा बगल में बैठा, अब वो कह रही खा ले, बच्चा कहे अमान खा, अब माताजी नाराज हो गई उसकी, बोली खा नहीं तो हम पंडित जी को खिला देंगे।
हमने सोचा कि मैं भाड़ में गया, बच्चा खाए ना तो कम से कम हमें तो मिलेगा। अच्छा सच में बच्चा ने नहीं खाया और दिल्ली हमारी निकल गई, लौट के ट्रेन आने लगी। हमने कहा बहन जी अगर ना खा रहा हो तो खवा दो, हमें दे दो। बोले क्यों? अरे हमने कहा तुम्हारे हलवा के चक्कर में दो स्टेशन आगे तक निकल आए हम, बताइए। फिर धीरे से पता है वो क्या बोली, पंडित जी आप इस बात को सीरियस मत लो, हम तो बच्चे को डराने के लिए कह रहे थे। बताइए हम लोग महात्माओं के नाम से डराते हैं, हम लोग महात्माओं के नाम से भय करवाते हैं। मेरे प्रिय जनों, महात्मा कुछ बुरे हो सकते पर सब बुरे नहीं हो सकते, इसलिए गुरु भगवान को। हाँ लेकिन एक काम है, पानी पीजिए छान कर गुरु ढूंढिए जान कर, पानी छान कर पियो गुरु जान कर देखो। क्यों? कन फुक्का गुरु हजार है नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। ये जजमान बोलो सीताराम, जोर से बोला। अब प्रश्न उठता है कि कौन अच्छा गुरु है, सच्चा गुरु है, कौन झूठा है, ये भी तो प्रश्न उठता है ना। इसका प्रमाण कैसे किया जाए, इसका माप कैसे किया जाए? भारत के लोगों, जो अपनी पूजा करवाए, जो अपना महिमा मंडन करवाए, जो अपने आप को भगवान बतलावे, जो स्वयं की पूजा करवाने पर तुला हो, वह महात्मा नहीं हो सकता। जो तुम्हारी बाह पकड़ करके परमात्मा से जोड़ दे वही महात्मा हो सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो, हर हर महादेव। इसीलिए ऐसे महात्माओं के मिलने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन हम लोगों का तुम लोगों का सरल होना बहुत कठिन है। भगवान तो आज भी तैयार है मिलने को, बस कोई देखने वाली पहचान करने वाली आंख मिले। देखो महात्मा को देखना है तो श्रद्धा की आंख चाहिए, खुद को देखना है तो ज्ञान की आंख चाहिए, और परमात्मा को देखना है तो भक्ति की आंख चाहिए। जो सरल हो जाएगा, जो विनम्र हो जाएगा। अच्छा सरल क्या है? सरल में तीन अक्षर है, कितने बोलो बोलो, कौन कौन? सा रा और ला, इन तीनों से मिलकर के बना है सरल। सरल का अर्थ क्या? सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जो सरल हो जाता है उसके अंदर यह तीनों विराजमान हो जाते हैं। बोलो जय सियाराम। अच्छा अब प्रश्न उठता है सरल क्या कहलाता है? सरलता का उदाहरण सुनिए। एक बार हम पूर्व जन्म में मोहाड़ी आए, यहां हमारा चेला रहता है चंगीलाल, उसने कहा गुरुजी हमारी माताजी को मिलने चलो। उसकी माताजी थी मारवाड़ी, मारवाड़ी जानते हो? मारवाड़ी जानते हो ना? हाँ मारवाड़ी, एक माताजी तो मारवाड़ी बैठी भी है। हाँ तो मारवाड़ी बैठे हैं दोनों, हो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जय हो मारवाड़ी। मारवाड़ी बहुत खतरनाक होते हैं, ये एक रुपया खर्च नहीं करेंगे। हाँ पर दूसरे के जेब में छोड़ते भी नहीं है, तो बुरा ना मानना, मजाक की बात है कि कल के दिन अभी एक आपत से निपटे नहीं है, कल तुम लोग फिर काला झंडा लेके घूमने लगो। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। तो उसकी माताजी मारवाड़ी थी, वो हमें घर ले गया। बोले गुरुजी घर चलिए, उनका चलिए। तो हमको देख करके उसकी माताजी बोली गुरुजी थारे खुर लागू, खुर माने होता है चरण,
मारवाड़ी में चरण को कहते हैं खुर। बोले गुरुजी थारे खुर लागू, मतलब तुम्हें प्रणाम करूं। तो खुर माने होता है चरण। अच्छा खुर चरण भी कहलाते हैं और गायों के बछड़ों के भी खुर होते हैं। तो हमने उनको समझाया, हमने कहा माता जी ऐसा नहीं बोलते हैं, खुर नहीं कहते, चरण कहते हैं। खुर तो गायों के होते हैं, बछड़ों के होते हैं, गायों के होते हैं, इंसानों के खुर नहीं होते, चरण होते हैं। खुर मत बोला करो, नरक जाओगी नरक। पता है वो क्या बोली? गुरु जी हमारे भाग्य में कहां नरक लिखा, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को प्राप्त होता है। अब उन्होंने कहा बड़े सीधेपन में, पर इतना भोलापन, बस इसी का नाम सरलता है। जिसके अंदर ऐसी सरलता आती है, जैसे ही हमने सुना सो हम हंस गए। उसी प्रकार हमें लगता है कि भगवान का भक्त जब सरल हो जाता है तो भगवान भी खिलखिला करके हंस पड़ता है। सरलता का दूसरा उदाहरण सुनो। यही तुमसर में दो माताजी पैदल जा रही थी पानी भर करके। एक माताजी बोली तुम्हें पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए, कोमा में। दूसरी बोली अमीर आदमी है कहीं भी जा सकते हैं। अब बताओ, वो सरल है, उसे पता ही नहीं कोमा होता क्या है। तो वो कह रही अमीर है, सरपंच है, प्रधान है, कहीं भी जा सकते हैं। हम बगल में खड़े थे, अरे हमने कहा माताजी वो मर भी या चले गए। तुम कह रही कहीं भी जा सकते, बोलो सीताराम। ऐसी सरलता जिसके अंदर आ जाती है वही भगवान का भक्त प्यारा हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसीलिए परमात्मा को पाना है तो सरलता को हृदय में लाना है, सरल बनना है, विनम्र बनना है, कठोर नहीं बनना है। भगवान को पाना है तो महात्माओं के चरणों को पकड़ना है। भगवान को पाना है तो भगवान का हो जाना है। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो कल भगवान कथा में अवतरित हुए कहां? अबध घर आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अबध घर आनंद भयो जय रघुवर लाल। कल हो गया, ये तुम लोग आए नहीं थे। कौन कौन आया था? हम कल की सूचना और दे दें आज की कथा सुनाने के पहले। कल भगवान की शादी है, पीले कपड़ा पहन करके आना, ठीक है? आज नहीं कल। और बराती कौन कौन है जरा हाथ उठाओ, ठीक है? हाथ नीचे कर लो। घराती बस इतना ही। हाँ तो भाई साहब तुम कन्या पक्ष की तरफ से हो, ठीक है खड़े हो जाओ। इन पे जरा कैमरा करो भैया, ये बेटी पक्ष की तरफ से है। हाँ पेन कागज ले लो, नोट कर लो दहेज। देखो हम तो दूल्हे राजा की तरफ से हैं। खैर दहेज देना पाप है, पर प्रभु श्री राम सबका बाप है। बैठ जाइए बैठ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा कल राम जी की शादी है, कल विवाह होगा, लेकिन आज की कथा में सुन लीजिए। जब भगवान अयोध्या में प्रकट भए, आहा अरे आई आहा। जब राम जी अयोध्या में आए, मनी महात्मा देवता गण सब बोले क्या? आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार, हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार। गाओ राघव सरकार, हंसते हंसते।
अयोध्या में राम जी के आने पर कौन कौन प्रसन्न है और कल कथा में राम जी आए कौन कौन प्रसन्न है जरा हाथ उठाओ ना, तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्टर्न नीच वाले। हाँ, आई बाहर हंसते कौन है तो सुनो। हाँ, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। सीता भरत हंसते हंसते सीता भरतार हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते ओ सीता ही बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते आई कर ठुमका लगाओ। तपसिन का त्याग आया भक्तन अनुराग आया
वचन का त्याग आया भक्त में अनुराग और प्रेम इनका प्यार हंसते हंसते प्रेम इनका प्यार हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते श्री राम की जय। अरे आई बहार हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते। कौन आया है? भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया भैया, सीता का भरतार हंसते हंसते। भरतार मतलब सिया का भरतार हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते आया राघव सरकार। बैठ जाओ। राम कथा सुंदर कर तारी संसय ओड़ा बनहारी। राम कथा सुंदर कर तारी संसय ओड़ा बनहारी। श्री राम जय प्रकट भय। कितने रूप में आए? चार रूप में। कितने रूप में? बोलो 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 बोलो, चार रूप में राम जी अयोध्या में प्रकट भय। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जब कानों से सुना, अरे हो गया हल्ला। क्या क्या हल्ला? दशरथ जी ने सुना तुम्हारे घर में आ गए हैं लल्ला। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। आहा हा, मन में विचार दशरथ जी करने लगे, कौन आया है? जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मोरे प्रभु सो। दशरथ जी को पता है ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं ब्रह्म है। पर विचार करने लगे, जिनका नाम सुनते ही मंगल होता है वो मंगल करने वाले प्रभु श्री राम हमारे घर आ गए। अच्छा, राम जी मंगल करने वाले हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कैसे? मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन
सागर के श्री राम जय राम भवन अमंगलहारी त्रिभुवन सुदशरथ आज रविहारी मंगल करने वाले प्रभु श्री राम जी आए हुए हैं। अच्छा देखो, राम जी मंगल करने वाले, राम जी के दूत हनुमान जी, हनुमान जी भी मंगल करने वाले हैं, इसका प्रमाण है। हाँ है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, जय दशरथ जी के भवन में आनंद छाया है। एक महीना से सूर्य भगवान गए ही नहीं, मतलब रात ही नहीं हुई। एक माह तक रात परेशान हो गई कि हमको तो एंट्री नहीं मिल रही। तो धुआं में जो महात्माओं ने हवन किया था, उस हवन के धुआं में लुकती छिपती रात पहुंच गई राम जी के पास। राम जी छोटे से हैं, पलना में सो रहे, पीछे जाकर रात कोने में अंधेरे में रोने लगी हूं। राम जी ने पीछे देखा, कौन? पीछे से आवाज आई, महाराज मैं हूं रात, आई एम नाइट, मैं रात हूं रात। राम जी बोले, रात तुम रो क्यों रही? रात बोली, रोना तो क्या महोत्सव मनाए? राम जी बोले, क्यों? रात बोली, महाराज एक महीना हो गया हमारी एंट्री नहीं हो रही, बल्कि 12-12 घंटे में सबकी ड्यूटी चेंज होती है। 12 घंटे हम रहेंगे, 12 घंटे भाई साहब रहेंगे। बोले, कौन? बोले, सूर्य भगवान। एक महीना से जे जा ही नहीं रहे, और ये जाएंगे नहीं तो हम आएंगे कैसे? और महाराज इन्हीं इनको सुख मिल रहा, हमको तुम्हारे दर्शन का सुख नहीं मिल रहा है। महाराज हम रात हैं तो इसीलिए हमको छोड़ दिया क्या तुमने? राम जी बोले, रात निराश मत हो, रो मत, हमारे दरबार में निर्णय होता है निर्णय। रात बोले, ऐसा निर्णय होता है कि एक महीने तक ना लाया जाए। नहीं नहीं नहीं, नाराज मत हो, सुनो एक बात बताओ, तुम गहरी कब होती हो? रात ने कहा, भाद्रपद महीने में। अच्छा, तो जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, राम अवतार में हम दिन में 12 बजे आए, लेकिन द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेंगे तब रात्रि 12 बजे आएंगे। तो तुमको भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो सियावल रामचंद्र की। तो रात ने कहा, तिथि और बताओ। तब राम जी ने पल्ला में पड़े पड़े कहा, भादों की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरो जन्म, जाहु हृदय हर सात। जाओ, हम द्वापर में आएंगे अष्टमी को। रात्रि प्रसन्न हो गई, रात्रि मुस्कुराते हुए गई, लेकिन तब तक चंद्रमा आ गया।
राम जी बोले तुम कौन? चंद्रमा बोला आई एम मून, हम चंद्र हैं। राम जी बोले तुम क्यों रो रहे? चंद्रमा बोला रोए ना तो क्या डांस करे? नहीं नहीं कारण बताओ तुम रो क्यों रहे हो? बोले देखो आपने हमारे साथ ना इंसाफी की है। भगवान बोले क्या? चंद्रमा बोला आप एक तो रात को नहीं आए दिन में आए, हमको दर्शन नहीं मिले। दूसरा आप हमारे वंश में नहीं सूर्य वंश में आए, तो हमारा तो नामो ही निशान मिट गया। हमारे साथ तो आपने बहुत बड़ा बुरा कर दिया। भगवान बोले बात तो सही है तुम्हारी। चंद्रमा बोला हमें न्याय मिले। तो भगवान ने कहा सूरज की रखी हो न कला, हे चंद्रमा सूरज की रखी हो न कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो, हमारा वंश सूर्य है सूर्य वंश में आए, पर हे चंद्रमा हम सूर्य वंश की रहने के बाद भी सूर्य की कला को नहीं रखेंगे। और चंद्र रहेगा चहुं जुग में, चंद्र रहेगा चहुं जुग में, राम चंद्र पड़े नाम हमारो, राम चंद्र पड़े नाम। चंद्रमा से राम जी बोले चंद्र तुम नाराज मत हो, देखो हमारा नाम राम पढ़ेगा लेकिन अब हम राम सूर्य कोई नहीं हमको कहेगा, राम चंद्र हमको सब कोई कहेगा। बोलो राम चंद्र भगवान की। दोनों प्रसन्न होकर चले गए। भगवान के यहां अयोध्या में दशरथ भवन में उत्सव हो रहे, उत्सव में सब कोई आवे और भोले बाबा न आवे, ऐसा हो सकता है क्या? हमारे भूत भावन महादेव, आहा जय जय हे त्रिलोकीनाथ। भोले बाबा कैसे हैं? जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ। बोलो हर हर महादेव। देखो मेरे प्रिय भक्तों सुनो, जब जब भी अवतार हुआ तो दर्शन करने कोई पहुंचा हो ना पहुंचा हो, हमारे भोले बाबा जरूर गए हैं। क्यों? रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी का जो हृदय है उसमें शंकर जी बैठते हैं, शंकर जी का जो हृदय है उसमें राम जी बैठते हैं। भारत के लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, जितनी माताएं बैठी हैं, नव जन्मित शिशु को प्रारंभ में ही आशीर्वाद दिलाने की प्रथा को शुरू कर देना चाहिए। क्यों? आशीर्वाद से चार चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। पहले के जमाने में बालक होता था तो बचपन से ही प्रणाम करना सिखाते थे, आजकल तो जब से ही अंग्रेजी आ गई हनुमान जी बचावे, आजकल तो हेलो हाय जब से चल गया हे हनुमान जी, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी घर से बाहर कोई निकले दूर ही से कर देते टाटा हम मत आना लौट के, हाथ हिला दे, पहले ही टाटा सिखा रहे। अब बच्चे को टाटा सिखाओगे बच्चे टाटा ही करेंगे बुढ़ापे में, तुमको भी
कि मम्मी पापा टाटा, पर कहते हैं गुरुजी हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं। अब तुमने टाटा सिखाया है, क्या खाक सुनेगा? बचपन से ही बच्चे को बढ़िया सभ्यता देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए। छोटे से बच्चे से को ही बचपन में ही सीताराम कहो, जय सियाराम कहो, जय हनुमान जी की कहो, ओम नमः शिवाय कहो, जय माता दी कहो। इस उद्बोधन को आप सिखाओगे, बालक बड़े में भी उसी उद्बोधन को बोलेगा। मेरे पागलो, तुम पढ़ाई तो विद्यालय में जाकर के दे देते हो, संस्कार तो बच्चों को घर पर ही देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्राण खा लिए इस अंग्रेजी ने, अंग्रेजी की मत पूछो। अंग्रेजी का हमारा तो ज्यादा बनता नहीं है, हमारी दोनों की कई बार हमारी अंग्रेजी सुनकर के अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, अंग्रेजी इतनी विचित्र है। अब बताओ हमने अंग्रेजी सीखी, बोले नॉलेज बताओ, नॉलेज की स्पेलिंग क्या है? हमने सीधी सीधी लगा दी NOLLEGE, नॉलेज। हमें अंग्रेजी पे उस दिन भरोसा उठ गया जब बाद में पता लगा कि नॉलेज की स्पेलिंग K से शुरू होती है। हाँ बताओ। अरे हमने कहा ठीक ही है, इससे अच्छा तो अपनी ठीक है। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। तो भगवान भूत भावन महादेव अयोध्या में आए, बहुत भीड़ मची हुई है, महात्मा आ रहे आशीर्वाद दे रहे, दशरथ जी प्रसन्न हैं, नंदी श्राद्ध करवाया गया, खूब दान दिया गया, नजर उतारी गई। लेकिन भगवान शंकर जी जब दर्शन करने पहुंचे तो अकेले नहीं गए, काग भुसुंडी जी के साथ में गए। भगवान शंकर ने पार्वती को बताया, काग भुसुंडी संग हमें दो, काग भुसुंडी संग हमें दो, मनुज रूप जान अयोध्या पहुंच गए। अब सोचा दर्शन कैसे मिलेंगे, इन्होंने उपाय सोचा, एक काम करें, जादूगरी करते हैं, जादूगरी डमरू बजाएंगे महल के नीचे, माताजी अपनी गोद में लेकर के जब झरोके से जब ऊपर की खिड़की से झांकेंगी तो अपन को दर्शन हो जाएंगे। बढ़िया सामान लिया। काकभुसुंडी जी बोले बाबा सामान कहां है जादूगरी का? शंकर जी बोले आधा तो हमारे ही पास ऑलरेडी है, सांप लेने नहीं जाना है, डमरू अपने पास है ही है, त्रिशूल है ही है, तुम कपड़ा की व्यवस्था भर करो। काकभुसुंडी जी कपड़ा लेकर के आए, भोले बाबा ने डमरू बजाई तो राम जी उस वक्त पल्ला में सो रहे थे, डमरू सुनकर के ही समझ गए बाबा आ गए, पर नाटकी है राम जी। राम जी रोने लगे तो कौशल्या माता को बुरा लगा, तुरंत सेवादारों को बुलाकर कहा ये कोई शोर मचा रहा है, इसका सामान बाहर फेंक दो। भोले बाबा का पूरा दंड कमंडल पूरी डमरू बाहर जाकर के फेंक दी। जब बाहर जाकर के फेंक दी, भोले बाबा बोले ये क्या है? कहा कि यहां पर शोर शराबा नहीं चलेगा। अब भोले बाबा का मन खिन्न हो गया, दर्शन कैसे होंगे? एक विचार आया, अब हम ज्योतिषी बनेंगे। क्या बनेंगे? ज्योतिषी जानते हो? जानकार, ग्रह नक्षत्र बतलाने वाला। ज्योतिष परंपरा पुरानी परंपरा है,
ज्योतिष परंपरा पर भरोसा तो रखना चाहिए, मानना भी चाहिए, लेकिन देखो ज्योतिष के अनुसार ग्रह कितने होते हैं? 9। कितने बोलो? अरे जोर से बोलो। ज्योतिष के अनुसार ग्रह होते हैं 9। इनको कहते हैं नवग्रह, और नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है, उसका नाम है भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो जाएगा तो नवग्रह तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। लेकिन अच्छा देखना, बुरा ना मानना, कोई बुरा मत मानना, अगर बुरा लग भी जाए तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना। हमारा जन्म बिना मुहूर्त के हुआ, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया, जब जन्म हुआ तभी मुहूर्त बना। जन्म बिना मुहूर्त के होता है, मौत भी बिना मुहूर्त के होती है, लेकिन हम लोग जिंदगी भर मुहूर्त देखते रहते हैं। जब जन्म बिना मुहूर्त के हो गया, मौत भी बिना मुहूर्त के होने दी है, तो मुहूर्त तो देखना चाहिए। निष्काम के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, सकाम के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है। हमसे कोई पूछे तो हम तो एक ही बात कहेंगे, पागलो, भगवान की भक्ति करने के लिए, कथा करवाने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, भवन खरीदने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, मन के हूर्त की आवश्यकता है। बोलो सीताराम। वो अपने कबीर दास जी तो कहते ही है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुर करेगा कब। काल करते हो आज करो, आज करते हो अभी करो, वरना कब करोगे? बोलो जय सियाराम। लेकिन सब लोग एक ही बात कहते, गुरु जी ये काम हो जाए। हमें कुछ लोग मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं भजन करो, भजन माला जपो, मा गुरु जी थोड़ा लड़का की शादी हो जाए। अच्छा ठीक है, लो लड़का की शादी हो गई, अब तो भजन करो। गुरु जी जरा पोता का मुंह और देख ले। ठीक है, 3 साल बाद पोता भी हो गया, अब तो भजन करो, छोड़ो। गुरु जी आप ठीक कहते हो, पोता हमारी गोद में आता है वो भी कहता है बाबा 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 बाबा, तो क्यों नहीं बाबा बन जाते? गुरुजी पोता तो कहता है बाबा, लेकिन तब तक बेटी का बेटा गोद में आता है वो कहता है नाना 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 नाना। अब बताओ किसकी माने? हमने कहा तुम तो किसी की मत मानो, एक दिन राम नाम सत्य होगा तभी मानोगे। बोलो जय सियाराम। और फिर पछताए का होई जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत। पर बाद में पछताने से कुछ भी काम आने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर काम कल पल टालते हैं, और कल किसी का नहीं हुआ, कल है काल। क्या है? काल। काल किसी का नहीं हुआ, काल मतलब समय, समय किसी का नहीं होता है। घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। किस घड़ी क्या हो जाए कोई ठिकाना है? क्या ठिकाना? बोलो बोलो बोलो। समय समय की बात है, समय समय पे होते हैं, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। उस समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय का खेल है, समय किसी के बंधन में नहीं है। आज है कल नहीं है, इसलिए मेरे पागलो
समय को बर्बाद मत करो, जाग जाओ, चेत जाओ, सावधान हो जाओ। कल भगवान का भजन नहीं, आज, आज नहीं अभी, कल भगवान के मत हो, आज नहीं अभी ही सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ। बोलो सीताराम, क्योंकि यही आनंद है, दूसरा कोई दुनिया में आनंद नहीं है। जितना आनंद भगवान की भक्ति में है, भगवान की कथा में है, भगवान के नाम में है, भगवान के चरित्र में है, द्वितीय ना अस्ति, द्वितीय दूसरा कहीं पर भी आनंद नहीं है। संसार के साधनों को तो पा सकते हो तुम, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, आप कहते हो आनंद भगवान में है, हमको तो डिस्को में आनंद आता है। डिस्को जानते हो, ये नाचने जाते हैं पीने वाले लोग। हमने कहा ठटरी के बरे, तुम्हारे डिस्को का आनंद ज्यादा देर तक नहीं टिकता, खूब पी लो खा लो, बढ़िया गीत में नाचो, दो ढाई घंटे में तुम अपने आप सो जाओगे, थक जाओगे। लेकिन भगवान की भक्ति का आनंद ऐसा है, मीरा पूरी जिंदगी भर नाचती रही, कभी नहीं थकी। बोलो जय सियाराम। तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, बांके बिहारी मुझको देना सारा, कहीं टूट जाए दामन हमारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। तो भगवान शंकर ज्योतिषाचार बन गए। अब शंकर जी तो शंकर जी, जो निकले अयोध्या का उसी का पोथी पन्ना बता दे, तुम्हारी पत्नी का नाम सविता बाई, बाप का नाम श्याम जी भाई, दादा का नाम मंगीलाल भाई, परदादा का नाम चंगीलाल भाई, लोग कहें भाई बहुत जानते हैं, जय जय जय, बहुत जानते हो, क्या बात है। अरे पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, धीरे धीरे पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया। क्या बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी अयोध्या में आए हैं, कौशल्या माता को पता लगा, उन्होंने बुलवा लिया कि बाबा को जरा बुला करके लाओ, अपने बेटे का हाथ दिखवाना है। दास दासियां आई, भोले बाबा से कहा महाराज चलो आपको दशरथ भवन में बुलाया गया, कौशल्या माता ने बुलाया है, जो छोटे से ठाकुर जी हुए हैं राजकुमार उनका हाथ देखना है, हस्तरेखा देखनी है। शंकर जी बोले चलो, काकभुसुंडी जी साथ में। प्रवेश करने लगे तो सेवकों ने, पहरेदारों ने, सिपाहियों ने रोक दिया, बाबा केवल एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता, दो नहीं। भोले बाबा बोले काकभुसुंडी जी से, चेला तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं। काकभुसुंडी जी आंख दिखा के बोला, आप अगर अकेले गए हो, हमें नहीं ले गए, तो हम पोल खोल देंगे। शंकर जी बोले क्या पोल खोलोगे? काकभुसुंडी जी बोले हम बता देंगे, ये कोई ज्योतिषी वोतसी नहीं है, शंकर जी हैं, अभी हल्ला हो जाएगा। भोले बाबा बोले भैया चुप रहो, तो हमें भी ले चलो। शंकर जी तो वचनों में बहुत माहिर हैं, सिपाहियों से बोले भैया हम तो मस्तक रेखा देखते हैं, हस्त रेखा देखते हैं, हमारा चेला तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, पैरों की रेखा देखता है, चरणों की रेखा देख के जानता है, तो क्या चरणों की रेखा दिखवानी है? सिपाही बोले अभी पूछ कर आते हैं। सिपाही पूछने गए, माता जी चेला भी साथ में है, पर चेला ज्यादा ज्ञानी है, चरण रेखा देखता है। कौशल्या माता बोली उसको भी लाओ। अब गुरु चेला दोनों अंदर। शंकर जी बोले कहो चेले कैसी रही? चेला भी बोलो गुरु जी बढ़िया बढ़िया। दोनों आनंद के साथ अंदर गए, स्वागत हुआ। भोले बाबा ने रघुनाथ जी को गोद में रखा, काकभुसुंडी जी ने चरण को पकड़ लिया, आहा हा, वो मोहिनी मूरत को देखने लगे भोले बाबा। बड़ी प्यारी सूरत है, बड़ा प्यारा मोटा मोटा आंखों में काजल लगा हुआ है,
नीलाम भुजक्षामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सुंदर रूप को देखा मोहित हो गए, भोले बाबा की डांडी भगवान रघुनाथ जी ने पकड़ ली। इस प्रकार कागभुसुंडी जी और भोले बाबा को दर्शन हुए। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आगे नामकरण संस्कार हुआ, संसार को विश्राम देने वाले प्रभु का नाम राम रखा, शत्रुओं से बचाने वाले भाई का नाम शत्रुघ्न रखा, दुनिया को भोजन देने वाले सबके पेट के भरण पोषण को करने वाले भैया का नाम भरत रखा और राम के आधार का नाम लक्ष्मण रखा। बोलो चारों भैया की, अयोध्या धाम की, हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की। अब राम जी बड़े हो रहे और जब तक राम जी बड़े होकर लीला कर रहे तब तक हमें एक गीत याद आ गया, कहो तो सुनावे हैं मेरे राघव ललन सरकार। अब हम भी राम जी से प्रार्थना करते हैं, मेरे राघव ललन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे राघव ललन सरकार बिगड़ी मेरी।
चल मेरी तेरी अटपट बातें कटती रातें तेरे ही नाम से कटती रातें। और राम जी से सखियां कहती तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो सरकारों की सरकार
बिगड़ी मेरी राघव बिगड़ी मेरी राघव बिगड़ी मेरी राघव बिगड़ी मेरी राघव। आप जो जहां हो वहीं से भगवान से प्रार्थना करो, कहो मेरे राघव ललन सर दो, थोड़ी देर और बैठ जाओ, फिर अपने अपने घर को जाओ। जय सियाराम। अरे जोर से तो बोलो, बगल वाले बोलो, तुम लोग खाने पीने भर आए हो क्या? जय सियाराम। मेरे राघव ललन भगवान बड़े भय लीला करने लगे। भगवान की प्रत्येक लीला में रहस्य छिपा हुआ है। मेरे प्रिय सज्जनों, एक बात याद रखना, भगवान का अवतार ही मनुष्य को मार्ग देने के लिए हुआ है। भगवान सबको रास्ता देते हैं। भगवान बड़े भय बाल काल की लीलाओं में बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन जब भगवान और बड़े भय, तब रामचरितमानस में वर्णन आया, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय चिंता व्यापी हरि बिन मरहिं निश्चर पापी। भैया विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता आ गई, भगवान के बिना राक्षसों का वध होने वाला नहीं है। अच्छा, भगवान ही राक्षसों का वध कर सकते हैं? राक्षस कौन? अच्छा बताओ, राक्षस कौन? जो खुद तो भजन करे ना, दूसरों को भी ना करने दे, वो राक्षस। उनको आप वध करने के लिए कौन आता है बोलो? भगवान आते हैं। कौन आते हैं? कई लोग सोचने लगते कि देखो भाई, जिसके ऊपर बीती वही जाने। पर एक बात बताएं,
धर्म के लिए न्योता देने की आवश्यकता नहीं है, धर्म के युद्ध में तो व्यक्ति को स्वयं चल करके आना चाहिए। बोलो जय सियाराम। वरना ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बार हम महाराष्ट्र में कथा सुना रहे थे, हमने बढ़िया कथाओं के बीच में कहा मृत्यु अटल है सब मरेंगे, मौत अटल है सब मरेंगे। तो सबके मुंह ऐसे बन गए पर एक आदमी हंस रहा था। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हंस रहे हो? बोले हम इस गांव के हैं ही नहीं है, हम नहीं मरेंगे। अरे हमने कहा तुम्हारी जय हो, क्या गांव में दूसरी जगह रहने से नहीं मरते हैं? भैया मौत तो तय है, सबको आएगी, इसलिए जीवन में जितने दिन हैं उतने दिन भगवान के भजन में गुजारना चाहिए। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। तो विश्वामित्र जी के मन में चिंताएं आई कि हमारी रक्षा कौन करेगा। राजा दशरथ जी के पास गए, जैसे ही राजा दशरथ जी ने देखा मुनि आगमन सुना, जब राजा मिलन गयहुं ले विप्र समाजा। राजा दशरथ जी मुनि को लेने के लिए ब्राह्मणों के साथ गए, स्वागत करके बुलाया, भवन में ले आए विश्वामित्र जी को, चरणों को पखारा, फिर धीरे से पूछा कहो महाराज किस लिए आए हो? तो हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को धन्य भागी मानकर कहा असुर समूह है सतावह मोही, मैं जाचन आयउन पतोही। राजा हमको राक्षस बहुत सताते हैं, क्या करें महाराज, सेना दे दे, सिपाही दे दे, सिक्योरिटी गार्ड दे दे। नहीं 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 नहीं, फिर क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चल बद में साथ में कोई और भाई लगा दो दे दो। दशरथ जी ने सुना सोई दिमाग खराब, एक तो चौथे पन में हुए हैं, ऊपर से महात्मा मांगने आ गए। अच्छा महाराज कोई सोना चांदी मांगे तो दे दें, कहें कोई बेटा मांगता है? अच्छा बेटा मांगता भी हो तो कोई बेटा देता है? बताओ ये बेटा मांगने आ गए अच्छे महात्मा है। तुरंत मुंह सूख गया, मना कर नहीं सकते, न जाने कौन सा श्राप दे देंगे। बोलो सीताराम क्या किया जाए? हाथ जोड़ करके दशरथ जी बोले महाराज चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। हमने चौथे पन में बेटा पाए हैं, आपने विचार करके नहीं मांगा, कुछ और मांग लो। महाराज बड़े बेटे का नाम राम है, राम दो अक्षर का नाम है, आप दो अक्षर का कुछ भी मांग लो। मांग हो भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, दो अक्षर, मांग हो भूमि धेनु धन कोसा। भूमि मांगो, धन मांगो, कोस मांग लो। अरे यहां तक कि महाराज दो अक्षर का राम है तो दो अक्षर का नाम प्राण भी है, आप प्राण भी मांग लो। पर राम देते नहीं, राम देते हुए हमसे नहीं बन रहा, कुछ और मांग लो। मुनि बोले देखो हम चाहेंगे तो राम जी को ही चाहेंगे, वरना कुछ नहीं चाहिए, हमें संपत्ति थोड़ी चाहिए।
संपत्ति पाने के लिए थोड़ी महात्मा बने। देखो कितना अच्छा जवाब, महात्मा संपत्ति जुटाने के लिए नहीं बना जाता है, महात्मा तो भगवान के भजन को बढ़ाने के लिए बना जाता है। बोलो सीताराम। पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते थे, आजकल के जमाने में महात्मा जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते हैं। बोलो जय हनुमान जी की। और किसी को कह दो सो आग लग जानी, इसलिए कहे कौन, जैसा चल रहा है चलने दो। बोलो जय सियाराम। महाराज प्राण मांग लो, धन मांग लो, धेनु मांग लो, कोष मांग लो, राम देते नहीं बनत गुसाई, राम जी नहीं देंगे। नाराज हो गए मुनि, विश्वामित्र जी नाराज भय, वशिष्ठ जी वहीं बैठे थे, मन में सोचा कहीं श्राप ना दे दे, तो दशरथ जी के कान में समझाया। चौपाई बड़ी प्यारी है रामायण में यहां पर। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। एक तो ये अर्थ है, दूसरा अर्थ सुनो, दूसरा है बहु विधि समझावा, मतलब दशरथ जी को कहा कि राम जी को दे दो। बोले क्यों, बोले जाएंगे तो अकेले आएंगे बहुओं के साथ में, आ तुम्हारे लड़का की शादी हो जाएगी महात्मा जी के चक्कर में, वरना शादी नहीं होगी। दशरथ जी बोले हमारे बेटा की शादी, अरे हम राजा हैं, हमारे लिए बहुओं की कमी। वशिष्ठ जी बोले महाराज कहीं ऐसा ना हो, कहीं तुम्हारे बेटा की शादी तय हो और कोई बिगाड़ दे। कैसे, कहीं श्रवण कुमार वाली बात बता दे, मिट जाएगी, कोई शादी नहीं होगी, चार चार बच्चे हैं, एक काम करो दो एक बार में भेजो, दो दोबारा में भेजना, चार चार बहुएं आ जाएंगी। दशरथ जी के मन में भी बात बैठ गई, बात बिल्कुल सही है, और शादी को लेकर के माता पिता दोनों उत्साहित रहते हैं। बोलो जय सियाराम। भले ही बाद में बहू पर खूब चिमटा मारे, पर माता जी जब तक शादी ना हो जाएगी तब तक बच्चा के बेटा के प्राण खा लेगी। बोलो जय सियाराम। बाद में भले ही बहू से लड़ेंगी कोई दिक्कत नहीं, खूब बहू गाली देवे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले के जमाने में बहू लाते थे, आज के जमाने में बहू रानी लाते हैं। एक सासु माँ हमें मिली, बोले गुरुजी क्या बताएं, हमारी बहू बहुत विचित्र है, बहू रानी बहुत विचित्र है। हमने कहा क्या विचित्र है, बोले काम ही नहीं करती। हमने कहा जब तुम बहू रानी लाई हो तो रानी थोड़ी काम करती है, काम तो बेटी करती है। बोलो जय सियाराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा एक और द्वंद्व हमने देखा, घरों में बहू चाहती है जो सासू मां मिले वो ऐसी मिले कि हमें बेटी की तरह रखे, सासू मां चाहती जो हमें बहू मिले वो ऐसी मिले जो हमें मां की तरह रखे, मां की तरह देखे, पर दोनों में विरोधाभास है। बेटी चाहती है सासू मां के जो बहू बनकर आए वो बिटिया की तरह रहे, पर खुद मां नहीं बनना चाहती है। बहू चाहती है सासू मां की जगह मां, कि जो सासू मां में मिले वो हमें बिटिया की तरह रखे, स्वयं मां की तरह रहे, पर स्वयं बेटी बनकर के नहीं जाना चाहती है। अगर घरों में सासू मां बहुओं को बेटी मान ले और बहुएं सासू मां को सासू हटा दें अपनी मां मान ले, तो घरों की महाभारत बंद हो जाएगी। बोलो जय सियाराम। वरना आजकल जितने भी बंटवारा होते हैं शादी के बाद ही होते हैं, और हमें जितनी आजकल आज तक माताएं मिली वो ऐसे ही मिली, गुरुजी इतनी जानकारन है वो बहु ऐसो वशीकरण कर दो हमारे बेटा पे, हमारी तो सुनते ही नहीं है। बताओ। बोलो जय सियाराम।
जोर से बोलो। ये वशीकरण का प्रभाव नहीं है, संस्कार का प्रभाव है, इसलिए हमारी प्रार्थना। अच्छा एक और है, बुरा न मानना, हर मां चाहती है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां काम ना करना पड़े, ऐसा घर मिले, पर बहू ऐसी चाहती है कि जो भी बहू आए वो पूरा काम करे। बेटी ऐसी घर में जाए जहां काम ना करना पड़े, बहू ऐसी आए जो पूरा काम करे। कितनी विचित्र विरोधाभास वाली बात है। हम यही कहेंगे इस प्रकार से घरों में महाभारत होती है, घर टूट जाते हैं, सासू और बहू रानी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। हम बहुओं से भी प्रार्थना करेंगे कि एक बात ध्यान देना, तुम्हारे कारण घर टूट ना जावे, किसी का घर टूट ना जावे। एक बात और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, घर घर महाभारत हो रही आजकल, घर घर विद्रोह है, घर घर में किसी की बनती नहीं है, पर हम दो बातें प्रार्थना करके जाएंगे महाराष्ट्र के लोगों, बहुत विनम्रता पूर्वक। अपने घर के कलेश को मिटाना है ना, अपने घर की लड़ाई को मिटाना है ना, तो ये तेरा ये मेरा ये बंद कर दिया जाए। बहु सास का मान बढ़ावे और सासू मां बहु का मान बढ़ावे तो घर घर का संग्राम मिट जाएगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, अरे तुम्हारे माई के बालों ने दिया ही क्या। हम यही प्रार्थना करें, जिसने अपनी बिटिया को दे दिया अब क्या चाहिए, अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया अब क्या चाहिए। और बहुओं से भी प्रार्थना है कि तुम किसी के घर में जाओ उसको ये मत मानो ये पराए हैं ये अपने हैं, उनको अपना घर मानो, क्योंकि बिटिया तुम किसी के घर जा रही और अगर कुछ भी उपद्रव हुआ तो तुम तो बदनाम होगी ही, तुम्हारे माता पिता के ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। इसलिए माता पिता के ऊपर उंगली ना उठे, इसलिए बिटिया बहुत सावधानी पूर्वक जाना। बहुत सी बेटियां, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, एकाधिकार में जीती। हमारे एक संत हमको कह रहे थे, भारत में अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अधिकार होता, बेटों की जगह, लेकिन हम एक बात इसमें जोड़ रहे हैं, क्या, अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान ले तो भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं। अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान लें, लेकिन अब तो समय बड़ा विचित्र है, अलग अलग परंपरा भाव से जीते हैं, फोन मोबाइल जब से आगे को लगो आगो तब से बड़ी आफत है। वे हलो करके तुरंत मायके में पूछ लेती है कि सब्जी बनाए कि ना बनाए, मायके से तुरंत कह दिया जाता तुम अपने लिए बना लो और स्वामी जी के लिए बना लो, बाकी ठटरी बराने दो। जिस बेटी का मोह मायके से विवाह के बाद ज्यादा दिनों तक अत्यधिक लगा रहता है उसके घर में निश्चित रूप से कलेश प्रारंभ हो जाता है। तो मोह तो होना चाहिए, अति मोह तो जहां विवाह हुआ है उस घर में होना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक घटना हम बता देते हैं फिर आरती करेंगे, सत्य घटना बता रहे। एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया
तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है बिटिया के ससुराल में। तो बिटिया को तो पता था कि हमारे घर पर ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया, बिटिया मां रक्षाबंधन आ गई है और मिठाई पहुंचानी पड़ेगी आपको, कितनी मिठाई भेजोगी? तो मां ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदे, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज देंगे। तो बेटी ने कहा, मां 2-4-5 किलो मिठाई में यहां कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू मां ताने और देगी कि बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिले ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम कुछ मत भेजो। पर मां ने कहा, बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज दें। रक्षाबंधन का दिन आया, सासू मां ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है, पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई तो जगत हंसी होगी और 4 लोगों के सामने सासू मां हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू मां ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया, हाँ मां। सासू मां ने कहा, बेटा तुम्हारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, 1-1 करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, मां ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, मां ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला और फोन लगाया, कहा, मां तू बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? मां बोली, बिटिया हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है। तो बिटिया बहू बिटिया कहने लगी, मां यहां पर कैसे मिठाई आई, वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू मां खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती, मां ये मिठाई कहां से आई? मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया 1 डब्बा अगर तेरे घर से आया, 1 डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी माँ ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी माँ हूँ, जरूर सासू माँ हूँ, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूँ, 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूँ, क्या मेरा अधिकार नहीं है, क्या तुम मेरी बिटिया नहीं है? इतना सुनते ही झरझर करके आंसू बह गए बहू के। बताओ ऐसे घर में कहां महाभारत होगी, ऐसे घर में कहां कलेश होगा, ऐसे घर में कहां लड़ाइयां होगी, ऐसे घर में कहां बंटवारा होगा, जहां सासू मां बहू का मान बढ़ाए और बहू सासू मां का मान बढ़ाए, जहां एक दूसरे का मान बढ़ाए, उस घर में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आज की कथा में सुनने आए, तुमने राम कथा से क्या सीखा हमें ये पता नहीं है, तुम्हें हमारी कथा कितनी समझ में आई
हमें ये पता नहीं है। तुमने राम कथा से क्या पाया हमें ये पता नहीं है, पर राम कथा से अगर घर तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाया, घर का कलेश नहीं मिट पाया, तो तुम्हारा सुनना बेकार है। तुम्हारा राम कथा सुनना व्यर्थ गया। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। थोड़ा झुक जाने से अगर रिश्ता चलता हो ना, तो रिश्ते को तोड़ने मत देना, रिश्तों को मिटने मत देना। क्यों? सप्ताह में 7 बार होते हैं, कितने बोलो? सप्ताह में 7 बार होते हैं, पर 7 बार उसी के बढ़िया होते हैं जिसका 8वां वार परिवार होता है। 7 बार है, 7 दिन, 7 दिन बढ़िया तभी हो सकते जब 8वां वार परिवार एक साथ हो। लोग कहते हमारे घर में खुशियां नहीं है, हम अमीर नहीं है। भैया, धन से कोई अमीर नहीं होता। जिसके घर पर बूढ़े माता पिता बाहर बैठकर हंस रहे हो, बच्चे संस्कार में झुक रहे हो, एक चूल्हे पर सबके घर सबके लिए रोटी बन रही हो, उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं। हजारों लोग ऐसे हैं जो भाई के प्यार के लिए तरस रहे। इस कथा में भी बहुत ऐसे लोग बैठे जिनकी मां नहीं है, जिनकी मां चली गई। ये जो मां से दूर है, बुरा ना मानना, दुनिया में मां का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जितने युवान बेटा बेटी सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, तुम हमें मानो या ना मानो, तुम हिंदुत्व की बात करो या ना करो, पर एक काम जरूर करना, सबको दुख देना पर कभी मां बाप को दुख मत देना। मां बाप कोई इंसान नहीं है, मां बाप इस धरती के भगवान। राम कथा यही सिखाती है। राम जी 14 वर्ष वनवास को गए, किसकी आज्ञा पर? मां की आज्ञा पर। और तुम राम कथा सुनकर, तुम्हारे राम मां की एक आज्ञा मानकर वनवास चले जाते हैं, राजपाट त्याग देते हैं, और हम लोग अपने मां बाप के लिए अपने अवगुण नहीं त्याग पाते, अपनी कुरीतियां नहीं त्याग पाते, अपना अहंकार नहीं त्याग पाते, अपना घमंड नहीं त्याग पाते, अपने दुर्गुण नहीं त्याग पाते। कभी विचार करना, मां वो है जो तुम्हें सूखे में सुलाती रही, खुद गीले में लेती रही। पिता वो है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए रातों भर काम किया, ना दिन देखा ना रात। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, सबको दुखी करना पर कभी मां बाप को दुखी मत करना। करना तो किसी को नहीं, पर मां बाप को कभी दुखी मत करना। और तुम लाख पूजा कर लो, तुम लाख ध्यान कर लो, तुम लाख यज्ञ कर लो, तुम हमारी एक कथा नहीं 100 कथा सुन लो, अगर तुम्हारे मां बाप प्रसन्न नहीं है तो परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। परमात्मा तभी प्रसन्न होगा जब तुम्हारे मां बाप प्रसन्न हो, क्योंकि धरती के भगवान अगर कोई है तो वो माता पिता है। हमारे गांव के बगल में एक संत बड़ा अच्छा गाते हैं, वो कहते वो कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, धरती के भगवान। लेकिन आजकल घरों की स्थिति विचित्र हो गई, दुर्दशा हो गई। आजकल माता पिता को कोई नहीं पूछता, मां बाप बेचारे चुप पड़े रहते। आजकल वृद्धाश्रमों की भीड़ बढ़ गई, वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ गई, वृद्धाश्रमों में। क्यों? क्योंकि पुत्र और पुत्रियां विचित्र होने लगे हैं। आजकल मां बाप को तब तक मानते हैं जब तक संपत्ति हाथ में नहीं है। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे सभी बेटा और बेटियों से,
कृपा करके तुम सबसे अलग हो जाना, कभी माँ बाप से अलग मत होना, कभी माँ बाप से अलग मत होना। एक बार की घटना हम अक्सर बोलते हैं, सदा बताते हैं, आज भी बता के विराम करते हैं। हम एक बार एक वृद्धाश्रम में गए थे, वहां बूढ़े माता पिता रहते थे, सब हमको मिलने आ गए। हम पार्ले जी बिस्कुट कुछ फल लेकर के गए थे, सभी बूढ़ी माताएं आशीर्वाद देने आ गई, लेकिन हम देख रहे कि खिड़की के पास में एक बूढ़े माता पिता खड़े हैं एक दूसरे को पकड़ के, वो जाली पकड़कर दो घंटे से, ना उन्होंने हमारी तरफ देखा ना आए, एकदम बूढ़े, हमसे नहीं रहा गया। तो हमने एक दादी जी से पूछा, दादी ये दोनों लोग खिड़की पे क्यों खड़े, खिड़की से क्या देख रहे, ये दोनों लोग हमारे पास मिलने क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, इनकी तबीयत तो ठीक है। उस बूढ़ी माँ ने जो जवाब दिया ना, हमारा तो कलेजा फट गया, आंखें वहीं फूट पड़ी। वो बूढ़ी दादी बोली, बेटा दरअसल ये खिड़की से अपने बेटे का घर देख रहे हैं, सामने बेटा का घर दिखाई पड़ता है, बहू बेटा रहते हैं और छोटा सा नाती है वो स्कूल पढ़ने जाता है, ये लोग इतना प्रेम करते हैं कि उसे स्कूल जाते हुए बस में बैठते देखते हो, स्कूल से आते हुए उसको देखते। जैसे ये बात हमने सुनी हमारा तो हृदय फूट गया। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे नागपुर के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, मुहाड़ी के लोगों, तुम भले ही पूजा पाठ मत करना पर कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना। आज नहीं कल पछताओगे। हम अपनी जीवन की बात बताते हैं, हम जिस गांव में रहते थे, गढ़ा गांव है मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में, हमने 8 साल भूखे गुजारे। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, मां लेकिन हमको एक शिक्षा जरूर देती थी। मां कहती थी, बेटा जब भी घर से बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। और आज हम अपनी मां को मिल नहीं पाते क्योंकि दरबार में बहुत व्यस्त रहते, सेवा ज्यादा करनी पड़ती, लोगों में हमारे 6-6 महीने हम घर नहीं जा पाते। पर आज भी हमारी मां बागेश्वर धाम पे हमसे मिलने आती है, त्योहार पे आती है, उसी गांव में हमारा जन्म है, वहीं मां रहती। लेकिन आज हम इतने दूर हैं, 600 किलोमीटर, और ज्यादातर दूर ही रहते हैं, कभी यहाँ कथा, कभी दरबार, कभी संतों के सम्मेलन में, पर माँ आज भी हमारे पास है। वो भले ही कितनी ही दूर हो, हमें नहीं तो हमारे अगल बगल वालों को फोन लगा लेगी, खाना खाया, समय पे सुला देना। अभी कल फोन आया था, अब वो टीवी पे देखेंगी तो रोएंगी, कल फोन आया था, आंखें भर रही हैं, बुखार चढ़ा है, गला बैठा है। तो हमने हंसते हुए कहा, माँ सिद्धि तो हमारे पास है, तुम्हें कैसे पता लगता। माँ कहती है, बेटा हमें पता है तुम हमारे बेटा हो। भैया सबको दुखी करना, कभी माँ बाप को दुखी मत करना। कोई हमसे पूछे तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो हम ताल ठोक करके कहेंगे, माँ बाप और गुरु का आशीर्वाद। तुमने जो पाया माता पिता से, मेरे प्रियजनों, तुम भगवान को प्रसन्न कर पाओ या ना कर पाओ, तुम भगवान के दर जा पाओ या ना जा पाओ, मेरी प्रार्थना है तुम अपने माँ बाप को जरूर प्रसन्न रखना। अगर तुमने माँ बाप को प्रसन्न रखा, तुम्हारा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। माँ और पिता अगर प्रसन्न हो गए, तुम्हारा रुद्राभिषेक संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी यज्ञ संपन्न हो जाएगा।
हम तो धन्यवाद दे रहे हैं, अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हम धन्यवाद दे रहे हैं। रंजन डोमड़े धन्यवाद का भागीदार है, इसलिए है ऐसा बेटा सबको नहीं होता जो अपने पिताजी के संकल्प के लिए अपनी जायदाद दांव पर लगा दे। आज जहां भी उनके पिताजी होंगे हनुमान भक्त, वो बड़े गदगद होंगे। आज जितने भी लोग यहां कथा सुन रहे, तुम भी बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे धन्य कह रहे होंगे कि हमारे वंश में एक बेटा बेटी ऐसी जाई बहु आई जो भगवान की कथा सुनकर के हमको भी मुक्त करवा रही है। मेरे प्रिय जनों, हमको बोलना नहीं चाहिए पर हमसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, राम कथा हमारा विषय है, राम समझाना हमारा विषय है, पर राम को समझने के पहले राम की मर्यादा को समझना बहुत जरूरी है। तुमने राम को तो समझा, कभी राम की मर्यादा को नहीं समझा। तुम राम को तो मानते हो पागलो, पर तुम राम की नहीं मानते, राम की मानो कि वो मां बाप के लिए सिंहासन त्याग देते हैं। राम की तो मानो कि वो भाई के लिए पैदल वनवास चल पड़ता है, और तुम्हारे घर में महाभारत, और तुम कहते कि हम राम के हैं, और तुम कहते कि हम राम के भक्त हैं। क्या खाक राम के भक्त हो? राम के होते हुए भी राम जैसे आचरण नहीं, माथे पर टीका नहीं, माता पिता के लिए आदर नहीं, दुत्कारते हो, गाली बकते हो, पिता से कहते चुप हो जा बुढ़ापा आ गया, और तुम कहते तुम राम के हो। क्या खाक राम के हो? तुमसे भला तो रामर ठीक है। अगर तुम राम के हो तो राम के आदर्श को मानो, बुरा ना मानना। हमारी कथा में बहुत लोगों को विवाद लगता, हमारी कथा बहुत लोगों को बुरी लगती, पर हम बोलते बिल्कुल सामने हैं, मुंह पर बोलते, हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं बोलने पर, तो सत्य हमेशा क्रांति करता है। सत्य हमेशा क्रांति, इसलिए मेरे पागलो, जितने भी बच्चे बैठे, चाहे वो बजरंग दल के बच्चे हों, चाहे वो हिंदू सेना के बच्चे हों, चाहे सनातन सेना के बच्चे हों, अथवा पर जितने भी कट्टर सनातनी बैठे, युवान भाई बहन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी प्रार्थना है तुम सब कुछ पा लेना, तुम प्रसिद्धि पा लेना, तुम सिद्धि पा लेना, प्रबुद्धि पा लेना, पर प्रार्थना है माँ बाप का आशीर्वाद पहले पा लेना। बड़ा कष्ट होता, बुरा नहीं, अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, अब हम क्या बताएं, हमें बोले बिना रहा नहीं जाता। जब हम देखते हैं और सुनते हैं उस सोहेल नाम के अंसारी के पास में, जब बहन बेटियों को हिंदू भेजते, कलेजा फटता है हमारा, जी फटता है हमारा, इसलिए फटता है, हद हो गई यार। अच्छा समझाओ किसी को तो वो कहते अरे मॉडर्न जमाना है, अपनी लाइफ हम स्वयं चुनेंगे, बा 22 साल तक बाप व्यवस्था करेगा, और 23वें वर्ष में तुम प्रवेश करो तो अपनी लाइफ तुम खुद चुनोगी। कभी विचार करना उस बाप पर क्या बीतेगी जिसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े नहीं खरीदे, और वो बेटी किसी के साथ भाग जाए, उस बाप पर क्या गुजरती है, उस पर क्या बीतती है, उसका कलेजा कितना फटता होगा, उसका हृदय कितना फटता होगा कि जिस बिटिया को हमने जाया, जिसको हमने बड़ा किया, आज उसी ने हमारी नाक काट दी। और कई बेटियां और हमारी कई हिंदुओं की बेटियां उन काफिरों के चक्कर में पड़ जाती हैं, और कहती सब गंगा जमुनी है, इसलिए तो गंगा जमुनी के चक्कर में फ्रिज में काट काट करके वो रखते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, हमें ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है हिंदुओं में दोगलेपन से, बहुत दिक्कत है। जब इनका खून नहीं खोलता, जब तुम नहीं बोलते, जब तुम चुप रहते, आज कितने महात्मा आपस में लड़ रहे, और महात्मा लोग, अभी हमने एक किसी महात्मा को ठोका था तरीका से, और उनको तो हम मिलेंगे ठीक तरीके से,
बहुत उसमें नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है हमारे भारत के बच्चे, हमारी भारत की बेटियां सुरक्षित हो जाएं, हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित हो जाए, हमारे भारत के हिंदू सुरक्षित हो जाए, हमारी रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाए, हमारे बेटा और बेटी पढ़ पढ़े। आप लोग जितने कथा में बैठे तुम लोग हमारा परिवार हो, हम आपको ये नहीं मानते कि तुम नागपुर के हो कि हम मध्य प्रदेश के हैं, हम नागपुर इसलिए चले आए, हमें तो धाम से समय नहीं मिलता, हम मोहाड़ी यहां इसलिए चले आए, तुम हमारा परिवार हो, और हम चाहते हैं हमारी कथा के किसी विचार से तुम्हारे भीतर भगवान की भक्ति जग जाए, एकता जग जाए, इसीलिए कथा सुनाते, और तो कोई उद्देश्य नहीं, आपसे हम दक्षिणा तो लेते नहीं है, जितना बनता है हाँ यजमान से लेते हैं, ये हम तुम्हें बता देते हैं, जो कथा करवाता है उससे लेते हैं, और लेते इसलिए कि खर्चा काय में चलेगा, हलुआ में, तो यजमान से लेते हैं, आपसे तो लेते नहीं, और आप उद्देश्य, और जो मिलता भी है वो हर साल कन्या विवाह में शिवरात्रि को बेटियों के विवाह में लगा देते हैं, लेकिन मेरे प्रियजनों हम तुमसे फिर कहेंगे आप हमारी आत्मा हो, बगल में सब युवान बच्चे खड़े हैं, आज कथा में तुम कसम खा करके जाना, बेटा वो नहीं है जो बाप के नाम से जाना जाए, बेटा वो है जिसके नाम से मां बाप को जाना जाए, तो आज तुम कथा में मन ही मन कसम खाकर जाना कि जब तक जीना मां बाप की इज्जत करना, और एक दिन ऐसा लाना कि तुम्हारे मां बाप को गुमान होवे ये हमारा बेटा, वो कहे सच बताएं। एक बात अंतिम सच बताएं, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है, कोई किसी का नहीं होता, सब बातें होती हैं, गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, केवल परमात्मा। तुम लोग बढ़ो पढ़ो गढ़ो, रामचरितमानस को पढ़ो, जीवन में उतारो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, और मेरे युवान भाई बहन पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, कथा भी सुनाओ, ताकि विचार शुद्ध रहे, भक्ति बनी रहे। कथा का क्रम ठीक वैसे ही है, कल विवाह गाना ही है, भगवान विश्वामित्र के साथ दशरथ जी ने कह दिया, राम और लक्ष्मण सहित गए वन में, जाए ताड़का मारी, एक ही बाण प्राण हर लीना, सबसे पहले चाची ताड़का को भगवान ने मारा, अब और आगे भगवान गंगा की महिमा आती है, अहिल्या उद्धार की चर्चा आती है, इसके बाद में भगवान जनकपुर जाएंगे, कल हम लोग धनुष तोड़ेंगे, थोड़ा सा नागन डांस भी निकलेगा, कल भगवान की शादी है, कल कितने बजे आना है, नहीं नहीं कल हम दिन में विचार कर रहे हैं, 3 बजे आ जाए हम, है? क्योंकि कल हमें जाना भी है ना, कल ही हमको विदा भी लेनी है, यहां से धाम पहुंचना है, वहां हमको दरबार लगाना परसों मंगलवार का, और अभी बुढ़ापे का शरीर भी है हमारा, अभी बहुत थक भी रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं हो रही, थक भी बहुत रहे, बुढ़ापे का शरीर है, लेकिन एक बात बताएं, हमको पता नहीं था कि मोहाड़ी क्षेत्र में भी इतने ज्यादा पागल हैं। तुम लोग कहां के हो, यही मोहाड़ी के हो क्या, नागपुर बालाघाट, मध्य प्रदेश के कितने हैं, महाराष्ट्र के कितने हैं, ओ अरे ये तो सब महाराष्ट्र वाले ही बैठे हैं, पर हमारे ही घर वाले बैठे हैं भैया। आज की कथा को विराम करते हैं, आज के सूत्र तो याद है तुम्हें, है कि नहीं, अरे जो लाइव सुन रहे वो भी बताओ हैं, सुनो आज की कथा, हाँ अरे बताना भूल गए, 5 दिन के अंदर हमें लाइव आना था, बात करनी थी, कल दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में लाइव रख लेते हैं, ठीक है, अच्छा आप बैठे रहो,
आध्यात्मिक प्रश्न तो नहीं है तुम लोगों के, तो हम माइक भेजें। पेट का दर्द मत पूछना। किसी का आध्यात्मिक प्रश्न हो, राम कथा से संबंधित हो या किसी पूजा पाठ से संबंधित हो, तो हम माइक भेज देते हैं। पर हां, लुगाई का दर्द, पेट का दर्द, पड़ोसी का दर्द, हमारा नाम बता दो, हमारी बीमारी बता दो, ये सब दरबार में बताया जाएगा। यहां प्रश्नोत्तरी में भर बात करनी है। तो ऐसा है कोई आध्यात्मिक प्रश्न वाला? अच्छा, जरा माइक लाओ बच्चों। चलो हम भेजते हैं माइक। बैठे रहियो, खड़े ना भइयो। बोलो जय सियाराम। दो माइक लेके जाओ जरा। हाँ, खड़े हो जाओ। तुम मुगदरी लिए हो, जरा इनको माइक देना। ये मुगदर लिए नहीं, बहन जी को बैठ, वहीं आएंगे, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ बहन जी। हाँ जी, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, कहाँ से हो? मैं बालाघाट से हूँ गुरुदेव। बालाघाट। हम समझ गए, यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपके आशीर्वाद के लिए आया था गुरुदेव। कहिए क्या प्रश्न है गुरुदेव। मैं भाग्य के प्रति वफादार रहा हूँ कि कर्म के प्रति वफादार रहा हूँ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। सुनो, भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। तो वफादार तो पुरुषार्थ पर रहना चाहिए, पर पुरुषार्थ का फल भी बिना कृपा के नहीं मिलता, इसलिए दोनों जरूरी है, पुरुषार्थ भी और प्रभु की कृपा भी। तो पुरुषार्थ के भरोसे और भगवान भरोसे रहो। भगवान भरोसे रहो ना, दोनों सिंगल भगवान भरोसे मत रहना। गुरुदेव, मैं आपको दो मुगदर अपनी भाजी के तरफ से समर्पित करना चाहता हूं। भेज दो भैया, धन्यवाद। चलो माइक दूसरे को दो। हाँ बिटिया, खड़ी हो जा। गुरुजी सीताराम। सीताराम, क्या नाम है? यस असाटी, गोंदिया से। गोंदिया महाराष्ट्र। जी गुरुजी। आज्ञा करो भैया। गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है, साईं बाबा के बारे में बहुत विवाद चल रहा है, या फिर क्या माने उनके बारे में, इतना जो देख रहे हैं हम कि वो ऐसे थे, वैसे थे। साईं बाबा के बारे में हम एक बार बोल भी चुके, एक और बार पूरा विस्तार से प्लीज बता दीजिए कि उसमें कई लोगों को विचित्र तरीके से वो उत्तर समझ लेते हैं। साईं बाबा के बारे में हमारा यह मंतव्य है कि वह महापुरुष है, संत है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, पर शास्त्रों में पुराणों में कहीं भी उनके अवतार का वर्णन नहीं है। तो गुरुजी उन्हें माने या ना माने, अब ये आपके ऊपर है। अगर शास्त्रों की मानते हो तो ना मानिए, शास्त्रों की नहीं मानते हो तो जय जय सीताराम। जी गुरुजी। संत मानो, सम्मान करो, महापुरुष हैं, सिद्धियां हो सकती उनके पास या अवधूत हो सकते हैं, लेकिन हमें तो कहीं रामायण में या पुराण में उनका अवतार का वर्णन नहीं मिला। अवतार का वर्णन नहीं मिला तो हम भगवान कह नहीं सकते हैं। अब अपने लिए तो सब कोई भगवान होता, हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान है। जी गुरुजी, ये मेरी बहन आपके लिए एक चित्र ले आई है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या नाम है? पूर्वी। पूर्वी, पूर्वी जितेंद्र साठी। अच्छा आ जाओ बिटिया, खुश रहो। चलो, मुझे ये आपको देना है। हाँ हाँ, लेता हूँ। माइक यहाँ ले आओ, जरा इस तरफ ले आओ, थोड़ा सब तक आएगा, बैठे रहो, तुम्हारे पास भी आएगा भैया। गुरुजी। हाँ जी। सीताराम। सीताराम मैया, मैं फिर आ गई। अरे वाह, आज्ञा करो गुरुजी। वो जो सन्यासी बाबा का इस बार आपने साधना दी, वो पहले ली थी, मैं इस बार मिस कर दी, तो फिर कब मिलेगी? अगली शिवरात्रि पर फिर से मिलेगी। अच्छा, मैं एक उसमें पद्धति बदल दी है। अच्छा। हाँ, उसकी नियम विधि यूट्यूब पर डाल दी है सन्यासी बाबा की, तो वो मैं लेके नहीं कर सकती ना। अच्छा, अगली बार। हाँ। तो गुरुजी एक अनुभव शेयर करूं? करो। इस बार जब मैं गई थी वहाँ पे, आपने बोला कलश यात्रा करो, तो जब मैं वहाँ गई
तो बहुत सारी बहुत भीड़, इतने कलश की सब पूजा हुई। जब कलश मिलने का समय आया तो मुझे कलश नहीं मिला, तो मैं नर्वस हो गई कि मैं उतने दिन पहले से आई और मैं कलश यात्रा आपने बोला था करने के लिए तो मैं करूंगी सोची। तो जब वो पूजा हो के सब खड़े हो गए, मैं थोड़ी नर्वस थी कि मुझसे कुछ गलती हुई, मुझे कलश नहीं मिला। तो किसी ने बताया आप 1 किलोमीटर अंदर चाहिए, वहां कलश मिल रहा है, लेके आइए। मैं भागती भागती गई, वहां भी खत्म हो चुका था। फिर जब मैं आई तो तैयारी शुरू हो गई थी कलश यात्रा निकलने की, तो मैं खड़ी हुई तो एक अचानक इतना मारा मारी हुआ, वो कलश के लिए बड़े बड़ों को मिला, किसी और को, मतलब इतना इतना भगदड़ मच गया कि मतलब बहुत लोगों को नहीं मिला। तो जब नर्वस हो गई मैं, अब जाना तैयारी हो रहा था कि इतना छोटा एक बालक आया, उसके पास एकदम काला सा था बालक, इतना सुंदर घड़ा लेके आया और उसने मुझे दे दिया। ये कहाँ की बात है, बागेश्वर धाम की? जी मैं गई थी, मैं वही हूँ जो आपका अनुभव शेयर की थी। अच्छा हाँ 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 हाँ, कहाँ की हो आप? मैं रायपुर की हूँ गुरु जी, 2 साल से जुड़ी। वाह बहुत अच्छा, हाँ। जय हो। और फिर गुरु जी मैं वहाँ पर 10 दिन रुकी थी, हाँ। आपसे मिली भी 2-3 बार वहाँ पे मैं। हाँ, मैं दिखी हूँ, मैं ध्यान, हाँ। आ गई। आज तुम चंदन लगाए सो पहचान में नहीं आ रही माता। जी 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 जी। तो गुरु जी फिर मुझे फीवर आ गया वहाँ पे, वाह। तो मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैं बोली अब मेरे पास सामान नहीं है, हुआ वहाँ होटल में रखा हुआ था, तो मैं बहुत मतलब रह नहीं पा रही थी। तो मैं बोली अब क्या करूँ, घर चले जाऊंगी मैं। उतने में किसी ने आवाज लगाया आप सीट में आ जाइए, वहाँ एक साल रखा हुआ था, वाह। वो साल हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके। भैया माइक को इस तरफ लेकर के आओ, ये बच्ची को भी दे दो, फिर पीछे की ओर चले जाना और आगे वो बच्ची को दे दो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो। अरे उनको बोल लेने दो, फिर इनको दे देना, दोबारा मैं इनको दे दूं। गुरुदेव हम जब पूजा करते हैं तो जी जैसे ही ध्यान करते वैसे बहुत रोना आता है। वैसे ही बहुत रोना आता है। रोना आता, कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद। भगवान की पूजा में अगर रोना आए तो मन खिन्न नहीं करना चाहिए, कोई पाप का नहीं काम है। दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो शरीर को बहुत परेशान करना चाहती है, अथवा पर भगवान के प्रति अति प्रेम हो सकता है जो आंसू बनकर के बह रहा होता है। अब ये कैसे पता करें कि वो नकारात्मक ऊर्जा है या प्रेम है? अगर पूजा करते समय रोते समय शरीर में मार तोड़ पड़ रही है, पीड़ा पड़ रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा है, पर भगवान का स्मरण करते करते उनकी याद में आंसू आवे तो समझना प्रभु के प्रति अति प्रेम है। और एक बात और हम कह दें रोना आने वालों को, कई बार अकस्मात पूजा करते करते जब आंखों में आंसू आवे तो समझना जिन्हें तुमने याद किया है, जिनको उन भगवान ने तुमको भी याद किया है। सीताराम गुरु जी। सीताराम धोख देती हूँ गुरु जी आपको। खुश रहो। सीताराम। सीताराम मैंने अभी अभी आपको जानना चालू किया है, थोड़ा सा ही देखती थी, धीरे 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 पूरी आप में मैं ये हो गई हूँ, मग्न हो गई हूँ। वाह। और एक महीना भी नहीं हुआ कि मैं बस, मुझे कहीं से पता चला था, मेरी जेठानी है उनको पता था कि मैं थोड़ी थोड़ी पागल हूँ आपके प्रति, बोलो इनके प्रति, बालाजी के प्रति। उन्होंने मुझे बताया था कि मोहाड़ी में सपना ये होने वाला है, कथा होने वाली है। तो मेरे ध्यान में तब से था कि मुझे जाना है, लेकिन किस तरह से आऊं मुझे पता ही नहीं चल रहा था, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आऊंगी आपसे बात करूंगी। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे महाराज जी, अपने आप ही बनते गए न मानने वाला, मतलब मुझे लगता नहीं था कि मानेंगे मेरे घर के कि तुम जाओ, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि मैं ना आऊं, अपने आप आ गई, सब कुछ हो गया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, आप सब जानते हो। आपकी जय हो, हनुमान जी खूब जय करें। और एक बात,
जी। जब भी कोई मतलब मेरे घर में हो या कोई पे भी मांस मटन जब खाता है तो मुझे बहुत चीड़ होती है, पता नहीं क्यों, और मुझे अपने आप ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं भक्ति करती हूँ उसी तरह मेरे पति भी करे या सब लोग करे। कौन आया आज, कौन कौन आया? मैंने तो बहुत कोशिश की, मेरे मामी पापा भी आए हैं और मेरी सासू माँ भी आए हैं, ससुर जी बैठ नहीं सकते थे तो वो बाहर है, और मेरी जेठानी आई और मेरे बच्चे आए। बालाजी की आप अनवरत भक्ति करते रहो, अपनी निष्ठा ऐसे ही बनाए रखो, हनुमान जी ने चाहा तो तुम्हारा पूरा परिवार भगवान का भक्त बन जाएगा। आशीर्वाद बनाए रखे महाराज, पूरे परिवार पर कृपा हो, खुश रहो और बागेश्वर धाम भी आओ। हाँ अब थोड़ा पीछे ले जाओ माइक, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सबको मिलेगा, बैठ जाओ। जरा पीछे माइक ले जाओ भैया। जय सियाराम, बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, हर हर। भैया ये जो चश्मा वाले भैया खड़े हैं इनको दे दीजिए माइक। हाँ इन्हीं को दे दो, बोलिए। गुरुजी सीताराम। भैया सीताराम बोलो। भैया मैं गोंदिया जिले से धान्डे गांव से आया हूँ। वाह। और मेरा चार भाइयों का परिवार है और माता पिताजी चले गए हैं, और भैया कुछ न कुछ परिवार में गुरुजी होते रहता है। आज चार नंबर वाले भाई जो है उनकी बच्ची गुजर गई है, बहुत परेशानी में है, और कुछ न कुछ नकारात्मक जो ऊर्जा है लोग डालते रहते गुरु जी, और उसके लिए मेरे को कुछ तो भी अच्छा उपाय बताइए या कुछ तो भी मेरे को उसके लिए। एक तो बागेश्वर धाम की आप पेशी शुरू कर दो, अर्जी तो वहीं पर लगेगी। आप दो तीन दिन की अखंड, तीन दिन की अखंड ज्योति बालाजी के नाम की जला दो, जाओ तुम्हारे घर में जय जय होने लगी। जय सीताराम गुरु जी। माइक लेकर के भैया जो मंच के ऊपर टी शर्ट पहने बालक है इस दे दो कवाड़ी को। हाँ बोलो भैया। सीताराम महाराज। सीताराम। गुरुवार के चरणों में मेरा सत सत नमन। तुम्हारे माथ पे हनुमान जी का हाथ रखा रहे। कहाँ से हो? मैं यही से सर, हरदोली, हरदोली करके गांव है एक छोटा सा, वहां से आया हूँ। आई एम नॉट सर, बोलो जी महाराज। बोलो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जीवन में अध्यात्म का महत्व क्या है? जितना भोजन खाकर पचाने का महत्व है, जितना खुली आंखों से सूर्य और उजाला देखने का महत्व है, जितना श्वास लेने का महत्व है, उतना ही जीवन में जीवन जीने के लिए अध्यात्म का महत्व है। धन्यवाद दर। वेलकम। अब वो जो पीछे लड़का है उसको दे दो, कार्ड लटकाए हुए है काली टी शर्ट पहने। हाँ तुम्हारे पास भी आएगा सोना मच। जी सीताराम गुरुजी। हाँ सीताराम बोलो। गुरुजी बागेश्वर धाम आने की मेरी भरपूर इच्छा है, मैं रोज हनुमान जी के मंदिर जाके पूजा पाठ करता हूँ। हाँ क्यों नहीं आ पा रहे? लेकिन आने का यानी यही नहीं मिल रहा है। कहाँ से हो? तुमसर से, एकनाथ लांजेवार। तुम सर से हो? हाँ सर। हम तुम्हारे लिए सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जाओ तुम जल्दी ही बागेश्वर धाम आ जाओ। परिवार लेके आने की इच्छा है। स्वागत है, स्वागत। कोई प्रश्न? बाकी सब बरोबर। अच्छा ठीक है। बाकी सब बरोबर। चलिए अब भैया जरा यहाँ आ जाइए माइक लेके यहाँ पर। बोलो बागेश्वर धाम की, हारे हारे। भैया माइक वाले वहां पहुंचो, जो बच्ची चश्मा लगाए खड़ी है इसी बच्ची को दे दो। बोलो बिटिया। महाराज जी मुझे हाँ? भाई नहीं है, मैं हनुमान को अपना भाई मानती हूँ, लेकिन मैं रक्षाबंधन के दिन भी भगवान को नहीं क्या हनुमान को भाई मानती हूँ, फिर भी नहीं क्या गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं
तू बच्ची है बोलती है, आप भगवान के पास नहीं जाते, हनुमान के पास हो तो बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन मुझे आपको राखी बांधनी है अभी। और मेरा आ जाओ। और मेरा दूसरा प्रश्न है जी, कि लड़कियां जब रजस वाला धर्म में आती है तब लड़कियों को क्यों नहीं पूजा करने देते, क्योंकि मतलब अभी सीता मैया के भी लव और कुश दो बच्चे हुए है ना, तो वो भी तो होती होगी ना, तो उनको क्यों नहीं होते होंगे, हमें क्यों ऐसे बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, ऐसे क्यों बोलते हैं हमें, हम भी एक लड़की है ना, हम भी कल का फ्यूचर है ना, हमारे पेट से कल की संतान निकलने वाली है जो बहुत कुछ करने वाली है देश के लिए, फिर भी हमें क्यों ऐसे मानते हैं लोग कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं है वो नहीं है। मैं रोज हनुमान मंदिर में जाती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और पंडित मिश्रा के वो भागवत सुनती हूँ मैं, शिव पुराण, और रोज नहीं क्या शिव भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ। मुझे भाई नहीं है और मैं 17 साल बाद हुई हूँ, अभी मेरे को भाई तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं जिन जिन को भाई माना ना सबने धोखा दिया, मेरा खुद का कोई भाई नहीं, इसलिए मैंने हनुमान को भाई माना, तो हनुमान को ही राखी बांधती हूँ, लेकिन मेरे गाँव के लोग नहीं क्या जाने ही नहीं देते हनुमान मंदिर, तो ऐसा क्यों है, मुझे आपको नहीं क्या मिल के राखी बांधनी है अभी। एक बार बच्ची को ताली बजाओ पहले, कहाँ की हो मेरी चटर पटर बहन, कहाँ की हो, ये चटर पटर बहन कहाँ की है, कहाँ की है? मैं दहगांव करके एक छोटा सा गांव है वहां से हूँ। चलो उत्तर सुनो, हनुमान जी के पास में बेझिझक सेवा के लिए तो नहीं, पर हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए बेटियां जा सकती हैं, हनुमान जी को पिता रूप में भाई रूप में खूब माना जा सकता है, कोई दोष नहीं है। आपको राखी बांधनी है मुझे अभी। हाओ माता पुत्र तो सुन ले भगवती देवी, आ जाओ। दूसरा, रजस्वला धर्म के बारे में नाना प्रकार के मत हैं, पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, आचार्यों ने, महामुनियों ने रजस्वला धर्म के अंतर्गत पूजा पाठ आदि आध्यात्मिक कर्म की आज्ञा नहीं दी, इसलिए हमको यह बात अपने पूर्वजों के मान के लिए माननी चाहिए, उससे कोई दोष तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों की आज्ञा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। जय सिया राम, हर हर। हेलो, हाँ कहाँ है भैया, माइक कहाँ है, जय सीताराम। अच्छा तुम भैया, जय सीताराम, और भाई साहब हाउ आर यू, महाराज जी प्रणाम, खुश रहो चेला, महाराज जी, अरे खुश रहे बोल तो, महाराज जी मेरी हाँ, एक ही बोल। अर्जी, मेरे पिताजी कल से आपके इतने भक्त हैं, मतलब कई सालों से रोज एक दिन मिस नहीं होता, जो एक दिन मिस नहीं होता, और रोज हनुमान जी के इतने भक्त है कि एक दिन उनका मिस नहीं होता, रोज मंदिर जाते, रोज पूजा करते, आपके आपको अर्जी भी लगाई थी, उनकी बहुत इच्छा है, बस मेरी यही इच्छा है कि उनके जो टेंशन है जो सब कुछ है वो मिट जाए, बस इतना मैं चाहता महाराज जी, बहुत दूर आपका हो जाए। बहुत तू बहुत जय सीता। अब हम बोले उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, तुम सफल हो जाओ, और कहाँ है अभी पिताजी, कहाँ है पिताजी, यहीं पे है, रोज अर्जी लगा रहे आपके लिए बहुत ही, बुलाओ नरेंद्र राकड़े, नेहरू राकड़े करके पुकारते, बुलाओ ना तुम, बुलाओ पप्पा, पप्पा पप्पा आ गया, ये पप्पा आ जाइए, पप्पा आप कहाँ पे, पप्पा आ जाइए, पप्पा जी, पप्पा जी यही पे, प्लीज पप्पा आइए ना, नेहरू राकड़े जहां भी हो आप तुरंत हमारे पास आ जाओ मंच पर, नेहरू राकड़े, और जो भी सिक्योरिटी में है उनको आने देना, आ गया पप्पा, आ गया ये पप्पा, आ जाइए। ठीक है आप आ जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे, प्लीज महाराज जी एक अर्जी उनकी लगा दीजिए,
यही इच्छा है। अर्जी तो नहीं आज लग सकत, बस लेकिन हम मिल लेते हैं बस आज। धन्यवाद महाराज जी, वेलकम। जय सीताराम। जय सीताराम। चलो माइक को भैया वहां दो। ये जो सफेद टी शर्ट वाला है, दाढ़ी वाला, इसी को दो, आएगा माइक आएगा। सीताराम गुरु जी। सीताराम इधर गुरु जी, इधर। वाह, बोलो दाढ़ी वाले भाई साहब। सीताराम गुरु जी। सीताराम बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि मैंने जब 4000 हनुमान चालीसा का पठन किया था, तो ये 4000 हनुमान चालीसा पाठ करते हुए कुछ दिन मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा, तो ये उसमें अखंडता होती है या वो कंटिन्यू लगातार वैसा ही रहता है? अगर आपने बैठ करके पाठ करने का संकल्प लिया तो वह खंडित हो गया, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया तो अनुष्ठान खंडित नहीं हुआ है। जाओ, उसका प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी। मैं आपके लिए 4 लाइन लिखा हूं गुरु जी। बोल दो प्यारे पगला। आपकी चमक बताती है कि आपकी तपश्चर्या कितनी गहरी है, आपका नटखट स्वभाव बताता है आप बालाजी के कितने स्वरूप है, हमारे नसीबों की रेखाओं में चाहे कितनी भी भीड़ रहे, आखिरी सांस से पहले आपको गले मिलना जरूरी है। जय सियाराम। जय सियाराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो माइक लाओ भैया आगे। यहां बच्ची को दे दो भैया, माइक को लाना जरा। ये बूढ़ी माता जी को दे दो, बहुत देर से हाथ खड़े किए हैं, ये चश्मा लगाए जो बूढ़ी माता जी, हाँ चश्मा लगाए, और पहले भैया ये चश्मा लगाए बूढ़ी माता जी, एक तरफ हो जाओ तुम लोग। जी माता जी। गुरु जी जय सियाराम। हाँ जय सियाराम गुरु जी। जय सियाराम। जय सियाराम। जय सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। अब आगे भी तो बोलो। आपसे हर काम मेरा हो रहा है गुरु जी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? मैं डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? जी जी। यहाँ क्या कर रही? बस आपके लिए कथा सुनने और आपसे। जोरदार ताली बजाओ मैया के लिए। आपके दर्शन करने आई हूँ गुरु जी, मैं 28 तारीख से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरु जी। अच्छा जी गुरु जी। अब बागेश्वर धाम आई हो? जी गुरु जी। जैसी तुम्हारी बालाजी ने सुनी वैसी सबकी सुने, ऐसा आशीर्वाद है। आशीर्वाद रहे। चलो हाँ बोलो महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। राधे राधे। हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आशीर्वाद। गुरु जी तुम कहां थे अभी तक? धन्यवाद मेरे महाराज जी। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो, मतलब एक एक शांत अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। राधे राधे गुरुजी, ये ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है गुरुजी, अभी उस ये जस्ट 3 दिन का मतलब ट्रीटमेंट करके आया है। कहाँ पर करवा रहे हैं अभी? और मैंने ठीक कर दिया। ये राधे राधे हरे कृष्णा, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दो। ठीक हो गया। और वो गोरा वाली क्रीम का क्या हुआ? बहन जी कहाँ की हो? बहन को जन्म आई, बहन को दो। हाँ कहाँ से हो गुरुजी? ये लाखनी से है। लाखनी? लाखनी यही महाराष्ट्र में? हाँ महाराष्ट्र से ही है। अभी जस्ट 3 दिन का ट्रीटमेंट करके आया। इसके हम भभूति भेज रहे हैं, हम भभूति भेज रहे हैं आपके पास। डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, भभूति हम देते हैं। मंत्र चिकित्सा के लिए आप धाम आ जाइयो। यहाँ का दरबार पूरा हो चुका है,
लेकिन जाओ, आराम लगने लगेगा, हमें बालाजी पे भरोसा है। और गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। महाराज जी ये जबरदस्ती कर रहे, महाराज जी ऐसे कर देंगे, महाराज जी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके दरवाजे में, आपके दरबार में ऐसे कर दे महाराज जी। ना ना ना, आपके दरबार में ऐसे कर दे। नहीं, हम तुम्हें गोरा वाली क्रीम भेज रहे ना, हंसो महाराज जी, हंसो महाराज जी, ये दुखी करके जाएंगे हम। किसको दुखी करोगे? दे दो माइक, दे दो, अब औरों की बात हो जाए फिर तुम्हें माइक दे दे। एक बार, लास्ट बार, हाँ बोलो, राधे, राधे हरे कृष्णा, महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु, धन्यवाद। चलो भैया माइक लाओ, इनको दे दो, छोटा बच्चा है ये जो, हाँ उस छोटे से बच्चे को दे दो, ऊपर उठाओ पहले, सामने लेकर आओ उसको, ऊपर उठा लो उसे, अब माइक दे दो। गुरुजी महादेव में इतनी शक्ति क्यों है? तुम कहां से हो भाई? देवाड़ी। महाराष्ट्र में ही पड़ता है? हाँ गुरुजी। यही ऐसे लोग पाए जाते हैं चटरपटर है। महादेव में इतनी शक्ति इसीलिए है क्योंकि वो तपस्या करते हैं, तप के प्रभाव से बल प्राप्त हुआ है। जो भी बच्चा तप करेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वह भी तेजवान, वीर्यवान और बलवान बन जाएगा। तो तुम शादी करवाओगे कि बाबा बनोगे? बाबा बनूंगा। हैं? बाबा बनूंगा। पक्का? पक्का। कौन सा बाबा बनोगे जरा बताओ? आपके जैसा। मतलब तुम हमारी गद्दी छुड़ा के मानोगे? हैं? बहुत प्यारे हो। क्या नाम है तुम्हारा? वरद और चीकू। हैं? वरद और चीकू। चीकू, ये भी कोई नाम होता है। खुश रहो प्यारे बेटा, जुग जुग जियो, धाम आना। गुरुजी और भाई भी बनना है। भाई किसका? आपका। आ जाओ भैया ऊपर। जय हो। चलो भैया, उन माता जी को माइक दे दो, वहां पर खड़ी हुई है। हाँ हाँ, बालाजी राम राम। राम राम मैया, कहाँ की हो? तुम सर की। तुम सर? हाँ। कहो क्या आज्ञा है? आप सब जानते हो हम किस लिए आ रहे हैं, आप जानते हो हमारी। बालाजी जानते हैं। आध्यात्मिक प्रश्न क्या है? क्या बताए आपको, आपको तो सब जानकारी है। हाँ बालाजी को, अभी तो प्रश्नोत्तरी पे बैठे, कौन दरबार लगाए के पर चावल रहो। बाबा जी, हाँ। जय बोलो बागेश्वर धाम की, हमारे गुरु जी के मात पिता की। गुरु जी आज मैं चाय पीने गया, लोग बागों ने मेरे गुरु की बहुत बड़ी बातें की, तो मैंने कहा भाई ये ऐसे नहीं मानता हूँ मैं, वो तो नागपुर गए हैं, लौट के आएंगे। फिर भी मेरे बगल में एक आदमी बैठा है अभी, अब उठ के भाग गया है, बोला कि आज तो कथा होगी नहीं। मैंने कहा किसी की औकात नहीं है मेरे गुरु की कथा कोई रोक ले। और मेरे गुरु की कथा जब उसमें हुई थी, जहाँ लालू प्रसाद हैं, तो मैंने कहा हुआ देख आना क्या हाल हुआ था। तो गुरुजी मैंने दुनिया क्या कहती है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, दुनिया बोलती रहती। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अन्न पानी त्याग दूंगा, तू यहीं बैठे रहना, मैं तेरे जीवन भर कपड़े धोऊंगा टट्टी के हर चीज के, लेकिन भीड़ देख लेना। जब उसने भीड़ देखी बोले महाराज तुमने सच कहा, मैंने गलत कहा। देखो
सनातन का काम भारत में नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत राम का देश है। बोलो जय सिया राम। अब बाकी प्रश्नोत्तरी कल करेंगे, आज बहुत लेट हो गए, 9 बज गए। सब लोग दोनों हाथ उठा करके कहो जिन जिन को हनुमान जी की कृपा किसको पानी है। वीर हनुमाना, कौन कौन मारेगा? पहले पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाओ, अब एक स्वर में ताली बजाओ। Come on.
की कथा का अंतिम संकीर्तन है। मस्ती में झूमते हुए चम चम नच देखो की ठटरी, महाराष्ट्र के पागलों की, आई तुल्या भवानी की, आज के आनंद की, कल कितने बजे आना है, घड़ी के बजे 3, कथा पंडाल में बजेगी बीन, कल 3 बजे आइए, आज की कथा विराम। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। अच्छा बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? हाँ पक्का पक्का, जाओ तुम्हारी जय जय हो जाए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। पावन आरती में आज के यजमान परिवार के साथ साथ जो यहाँ के सेवादार हैं उनसे आग्रह है पावन आरती में वो आ जाए। श्री आकाश जी, श्री गोविंद जी, श्री सुनील जी, श्री अरविंद जी, श्री सुमित जी, श्री अनूप जी, श्री जीतू जी, श्री अखिलेश जी, हर्षा जी, अतुल जी, हिंदुत्व समर्पण ग्रुप वाड़ी, आप सभी से आग्रह है पावन आरती में आप सभी आ जाएं। आइए चलते हैं मंगलमय आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वाला मालन्नय नमः रत्ने सूर्य नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हरि ही ओम चंद्रमा वन सोजा कच्छोः सूर्यो अजायता स्रोता द्वायुसु प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायतो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु आपका सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन
जनक किशोरी युगल छवि को शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः देवाधि वंदनम आत्मादि वंदनम पुष्पादि वंदनम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हिनाकम महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे साध्या संति देवा हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्तुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदंती प्रचोदया हरि ओम तदुपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदया हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीराम भक्ताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदया नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर श्री सीतारामाभ्याम नमः मंद पुष्पांजलम समर्पयामि भोले बागेश्वर धाम की जय बालाजी सरकार की सदगुरु सन्यासी बाबा की पूजपाद गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान से ही प्रणाम करके मंच को शीघ्र खाली कर दें। सभी वहीं से ही नीचे से खाली कर दें। सभी लोग वहीं से प्रणाम करके सियाराम आप सभी से आग्रह निवेदन है कि कोई भी पूज्य गुरुदेव भगवान को स्पर्श न करें। आप सभी दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप सभी अति शीघ्र मंच से प्रस्थान करें। अति शीघ्र आप सभी जो भी मंच पे हैं अति शीघ्र आप सभी मंच को खाली कर दें, मंच से प्रस्थान करें और कोई भी पूज्य गुरुदेव भगवान को स्पर्श न करें। आप सभी दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप सभी मंच से प्रस्थान करेंगे। सीताराम Oh,
Ah.